मसला ये आ रहा है, एक दफा पुश होने के बाद ना जैसे वो चली, अब वो दोबारा एक अलग ऑब्जेक्ट बना रहा, मैं चाह रहा था एक ही एरे में वो बने। नहीं मेरा सवाल कुछ और है तुमसे, मेरा सवाल ये है कि मेन्यू डेटाबेस से जब तुम ला रहे हो, तो अगर मिसाल के तौर पर पीछे से मेन्यू में किसी ने कुछ ऐड कर दिया, तो वो स्लॉट में क्या ऐड हो जाएगा खुद से? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसका हल क्या निकालोगे? ये स्लॉट से जो जो है मेरे पास वो डेटाबेस में जाए और वो डेटाबेस में। नहीं ये कर सकते हो तुम कि जो बंदा डेटाबेस में इनपुट कर रहा है उसको तुम कहो यार स्लॉट भी इनपुट करके आ जाएगा, ठीक है? अगर इस तरह से करो, चलो मान लेते हैं हम कि ठीक है। वैसे सर इसका हल क्या होता है? इसका हल ये होता है कि जो स्लॉट है ना उसके लिए इनकी अलग से REST APIs हैं, जो अभी बीच में ये वो बता रहा था ना कि क्या DKIM API क्या करके नाम बता रहा था, बुक में एक API का जिक्र कर रहा था कि जब ASK CLI उस API को कॉल, तो उस API की ना अलग से भी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, तो वो URL होता है, REST API होती है पूरी, वो URL आप करते हैं कि फला फला alexa.com और उसके बाद /slot/type, ठीक है, उसके बाद स्लॉट का नाम, उसको हिट करते हैं और उसमें पूरा वो स्लॉट बना के भेजते हैं। तो मेरा पूरा मेन्यू वहाँ पड़ा हुआ, तो वो पूरा मेन्यू वहाँ दे देगा मुझे। हाँ, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक फ्रंट एंड खुला हुआ है ना वेब का, अब फ्रंट एंड पे लिख के ही बंदा सबमिट करेगा ना, तो डेटाबेस में जाएगा, तो वो डेटाबेस में भी जाएगा और स्लॉट में भी जाके क्रिएट हो जाएगा। और अगर डेटाबेस में एक लिस्ट आ रही है, मतलब सामने डिस्प्ले हो रहा है, उसमें से कोई चीज मैं डिलीट करूंगा ना, तो वो डिलीट जाहिर है आईडी होती है उसकी, तो वो आईडी वहां से भी डिलीट से भी होगी और डेटाबेस से, बट वो चीज हम कवर नहीं करते। लेकिन API है उसकी, API है ना उसकी, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, API का API मिल जाए तो फिर तो मांगो हम। क्रिएट और अपडेट स्लॉट, ये तो माइक्रोसॉफ्ट आ गया ना, Alexa skill kit, create slot type using ये create a slot में देखते हैं ना, यहाँ इन्होंने कहीं बताया होगा कि ये API से भी create हो जाता है, बट उसके लिए ना ये ऐसे नहीं होगा, उसके लिए Amazon पे लॉगिन करना पड़ता है AWS पे ना, क्योंकि AWS पे करके ये रहा SMAPI, ये ठीक है, स्किल मैनेजमेंट API नाम है इसको। तो इस API के जरिए ना जो जो चीजें हम डैशबोर्ड पे जाके करते हैं ना, वो सब API के जरिए हो सकता है। अब ये देखो क्रिएट अ स्लॉट टाइप, यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं SMAPI, ये इसका लिंक है, URL है ये इसका, ठीक है, इंटरेक्शन कस्टम /interaction model/slot type, और ये ऐसे करके आईडी, और ये स्लॉट टाइप में नेम और उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐसे करके क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ गई, वहां मैं लॉगिन करना पड़ेगा Amazon पे। हाँ, ये शुरू में इन्होंने लिखा हुआ है ना गेट एन SMAPI टोकन, ये इस API को कॉल करने के लिए टोकन कैसे गेट होगा वो यहाँ पूरा बताया हुआ है इन्होंने। तो अब वो टोकन में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट टू दिस 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 यू प्रोवाइड अ टोकन। नहीं ये मैं यूज नहीं कर रहा, नहीं ये तो अब जूम की कॉल स्टार्ट करता हूँ और सबको कहता हूँ कनेक्ट कर लो। नहीं ये मेरी आज ये मुसीबत हो गया ना, मेरे कॉन्वर्सेशन में भाई भी चला गया। मैं समझा स्टूडेंट को कोई ऐसा अकाउंट बना के दिया ना, उससे टेस्ट हो रहा है इसीलिए कि मैंने इसी पे किया। होता है कि एक बंदा चला जो दूसरा चला लेता है ना, भाई यहाँ नहीं है, दिशान भी चला गया सुबह से, वो चला रहा है LWA access token, how to get access token? You get both resource owner and client. You are a client, someone else receives owner. सर अभी जो मैंने किया था ना उसमें ये करा है, ये यहाँ से होगा LWA। अभी LWA के लिए ना कह रहा है लॉगिन टू Amazon, मैंने कहा कि भाई
create a new security profile. अरे ये तो हो रहा है यहाँ से डायरेक्ट यार. रेस्टोरेंट कंसेंट प्राइवेसी पॉलिसी. अच्छा 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 यहाँ पे कंसेंट लगाना होगा. कंसेंट लोगो इमेज लगा देते हैं, अपनी फोटो लगा देते हैं. ये लगा दिया 85 ना. ये ही लगाना है ना, ये गिटहब से उठा के कहीं से लगा देते हैं. प्राइवेसी है ना, क्या चाहिए इसको? प्राइवेसी नोटिस चाहिए. मैंने कहा कि पेज में जाता हूँ. मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि कहीं अमेज़न को बीच में इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा है. हो तो ये अमेज़न में ही रहा है, AWS में ही हो, बट ये आ गया ना सीक्रेट. बस सही है ना, ये दे दिया इसने यहीं से, ये यहीं से इसने दे दिया कि क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट मिला ना. अब इससे बेयरर टोकन जनरेट होगा, इससे जो है ना बेयरर टोकन जनरेट हो जाएगा. हाउ टू गेट एवीआई है ना, हाउ टू गेट एक्सेस टोकन. ठीक है, अब ये तीन तरीके हैं एक्सेस टोकन जनरेट करने के. तो मैंने पहला वाला किया कि यू आर बोथ रिसोर्स ऑनर एंड द क्लाइंट, कि मैं खुद ही कर रहा हूँ ये काम, कोई दूसरा नहीं कर रहा. ठीक है, या किसी दूसरे बंदे को देना है तो उसके फिर सीन अलग है. ठीक है, गेट एक्सेस टोकन बोथ रिसोर्स ऑनर एंड क्लाइंट. ये LWA पे जाके मैंने ये क्रिएट कर लिया. गेट सीक्रेट, ये सीक्रेट मिल गया मुझे. चूज द ऑपरेशन कि मुझे क्या करना है, और जनरेट द एक्सेस टोकन. अब उन दोनों को यूज करते हुए एक्सेस टोकन कैसे जनरेट होगा? एक्सेस टोकन होगा ऐसे जनरेट ऑन द कंप्यूटर. ASK CLI करो, ASK util और जनरेट LWA टोकन. ये करो, उस दोनों को प्रोवाइड करो, वो टोकन बना के दे देगा. सही है, उसका एक्सपायरी सेट कर देंगे. स्कोप सेट करना होगा उसका कि क्या क्या चाहिए, स्किल रीड, स्किल राइट. अब इसके लिए हम देख लेंगे कि कौन सी रिक्वायर्ड है स्लॉट बनाने के लिए. तो यहाँ से ना इस API को इस्तेमाल करते हुए स्लॉट आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब API के थ्रू, यानी ऑन द गो, यानी स्किल कंप्लीट होने के बाद आप उसको क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ चला गया वो स्लॉट टाइप ना. अब ये स्लॉट टाइप के लिए ना इसमें से कौन कौन से वो रिक्वायर्ड है, एक्सेस रिक्वायर्ड है, वो यहाँ इन्होंने लिखा होगा. क्रिएट स्लॉट टाइप, क्रिएट स्लॉट टाइप ये आ गया. इसके लिए एक्सेस क्या चाहिए? अच्छा वो नहीं लिखा इन्होंने, कहीं ना कहीं वायरल जिक्र होगा कि एक्सेस कौन सा चाहिए. कोई बोल क्या रहे हैं, एक्सेस तो नहीं बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं. स्कोप बोल रहा है. क्रिएट के अंदर स्कोप कौन सा चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए कहीं ना कहीं. वैसे रीड राइट का अगर दोनों स्कोप दे दें उसको,
तो वैसे भी हो जाना चाहिए। अच्छा इसमें स्कोप बाय द वे बड़ा वो, एक मिनट यार, इसी में तो लिखा हुआ है स्कोप में, स्कोप में तो लिखा हुआ है कि किसमें क्या चाहिए, ये रहा ना। रीड में क्या होगा, गेट स्किल स्टेटस, गेट स्किल से रीड स्किल डिटेल, रीड एवरीथिंग रीड हो जाएगा, और राइट में अपडेट और ये राइट में क्रिएट स्किल, अपडेट स्किल, अपडेट स्किल में आएगा वो मतलब स्लॉट ऐड करना। एलेक्सा एएसके मॉडल रीड, एलेक्सा एएसके मॉडल राइट, अपडेट इंटरेक्शन मॉडल्स, ये अपडेट इंटरेक्शन मॉडल में वो काउंट हो रहा है। तो इसमें ये चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, मॉडल रीड राइट दोनों है, यानी सिर्फ राइट देंगे तो रीड ही नहीं मिलेगा, फिर रीड राइट दोनों देना पड़ेगा। एक अलेक्सा स्किल रीड राइट है और एक एएसके मॉडल रीड राइट है, फिर एएसके स्किल टेस्ट है, फिर एएसके कैटलॉग्स है, गेट अ लिस्ट ऑफ कैटलॉग्स, अभी कैटलॉग पता नहीं क्या चाहिए, एएसके सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस भी चेक कर सकते हैं कि यूजर ने क्या क्या सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मतलब नोटिफिकेशन के अतबार से, इसमें नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं ना अलेक्सा में, तो उस एतबार से क्या किया उसने, सब्सक्राइब किया हुआ, तो वो भी इसमें मेंशन हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छी है यार अलेक्सा की, बस ये है कि असल में लिखा किसी और लोगों ने, जो काम कर रहे हैं ना कोड में वो उन लोगों ने नहीं लिखा, इस वजह से कहीं कहीं कोड में ना इसमें मिस्टेक होती है, वरना ये चीजें कितनी क्लियर है देखो, टू द पॉइंट है। अभी जो मैंने सुना जुगाड़ लगा के मतलब किए, क्योंकि एक दफा तो हो रहा था, अब मैंने फर्स्ट टाइम में से वेलकम करा मेरे नाम के साथ, फिर मैंने कहा मेन्यू प्लीज, अब ये जो इसने बोला है ना, ये मैंने डेटाबेस ही लाया हूँ, उसके बाद मैंने ज्वाइन लगा के इसको उसमें ही कर दिया, अब मैं उसको बोलूं कि यहाँ तक तो मैं बिल्कुल सही किया, यही होगा जी, इसी तरह ही होगा। तो मैं इसको बोलूं प्लेस ऑर्डर, अब मैंने ये जहाँ UUID यूज कर लेता, लेकिन मैंने उस टाइम ना जो मंगूस की आईडी आ रही थी वही मैंने इसको, वो काफी बड़ी हो गई है। ये ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए ना वो भी है, ये 5 डिजिट का वो जनरेट, हाँ कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, UUID में भी हो जाता, हाँ UUID की बात कर रहा हूँ, 5 डिजिट का ना एक आपको आईडी मिल जाती है। अच्छा यहाँ सबसे ज्यादा मुझे मसला हो रहा था कि पहले एक पुश हो गया, अब उसके बाद ना वो दूसरा एक ऑब्जेक्ट डाल रहा था और मुझे उस एरे में डालना था, क्योंकि मैं एरे मैप करा लेता वो मुझे मिल जाता, सबसे ज्यादा मसला। फिर मैंने एक डेटाबेस में जाके एक एरे में ही पुश कर दिया। नहीं मैंने जो आपको तरीका बताया था अपडेट वाला और अपसर्ट वाला वो सही तो था, उसमें हो नहीं रही है सर, ये तुम चाह रहे हो ना मेन्यू आइटम के अंदर, लेकिन फिर मेरे को एक चीज बाहर रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं उसको कुछ, कौन सी चीज है जो बाहर रखनी पड़ेगी, अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसको, कौन सी ये तीनों चीज अंदर चाहिए मुझे, या ईमेल एक ऐड करूं मैं, या नाम कुछ, या डिश नेम भी एक ऊपर ले जाऊंगा। असल में ना इसमें ये इस तरह हो गई, ये हो गई नहीं यहाँ पे, ऐसे हो गया डायरेक्ट, हो ये ज्यादा सही नहीं है, ये हो गई नहीं इसमें, ये पूरा डायरेक्ट होगा यहाँ पे, ये होगा तरीका बेहतरीन इसका। नहीं ये कह रहे की सूरत एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, हाँ ये भी सही है, मतलब असल में तुम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना गया हो ना कि तुम सिंपल चीजें भूल गए हो, ये तो बिल्कुल सिंपल ऐसे होना चाहिए ना, क्यों कि भाई एक डिश ऐड की तुमने तो डेटा में एक वो आ गया, एक डॉक्यूमेंट आ गया, तो यार सर कहानी खत्म, यार तो मैं आप कर लूंगा, क्योंकि जब ये अगर कोई नाम ना ही हो जैसे वो डाल रहा है, मैं पहले मैच करा लूं कि अगर इस नाम का नेम है तो उसको बोल दो भाई इस नाम का पहले ही डाला हुआ, और अगर एल्स में नहीं आईडी आईडी आईडी, हां आईडी ले लूं, जब मिसाल के तौर पे तुमने 20 डिशें ऐड कर दी ना तो 20 डॉक्यूमेंट होगा, अब तुम कहोगे ना मेन्यू स्कीमा डॉट फाइंड और उसमें एम्प्टी दोगे तो 20 के 20 आ जाएंगे, सही है, 20 के अंदर एक एक आईडी होगी, आईडी मैच हो सकती है बड़े आराम से, ये मैं
routes में मैं ये कर रहा था, पहले मैं पुश कर रहा था, पुश में नहीं जा रहा था वो, अब मैं ये करूंगा कि भाई जब फर्स्ट टाइम में जब वो कर रहा है, अगर डिश नेम ले लिया जो अगर वो डिश नेम मैच कर दिया उससे, तो बोल दूंगा कि भाई वो उसमें ऑलरेडी है, एल्स में नहीं है तो वो फिर ये जो काम तुम करवा रहे हो, ये नई डिश ऐड करवा रहे हो या पहले से ऐड हुई भी डिश को कार्ट में डलवा रहे हो? ये सबसे फर्स्ट टाइम चलता है, ये फर्स्ट टाइम चलेगा अगर इस यह डिश है उसमें डेटाबेस में, हाँ। तो ये नहीं चलेगा, वो सिर्फ वो करेगा क्या कहते हैं, अच्छा अगर स्लॉट में कोई ऐसी डिश है जो डेटाबेस में नहीं है तो ये ऐड कर देगा उसको। हाँ यहाँ ये स्लॉट को आपको फिर मैन्युअली करना होगा। ठीक है, हो तो जाएगा ये काम, लेकिन ये तो थोड़ी अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो एक चीज होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे उसको, जो सेंट्रल डेटाबेस है वो एक होता है, एक होता है। या तो आप वो अलेक्सा को बना दो या तो मोंगो डीबी को, तुमने इस केस में अलेक्सा के स्लॉट को सेंट्रल बनाया हुआ, ये कह रहे हो? मैंने डेटाबेस को बनाया हुआ क्योंकि डेटाबेस से मैं चल रहा हूँ फिर, लेकिन मुझे अलेक्सा को में भी वो चीज डालनी पड़ेगी, अगर मैंने जो डेटाबेस में है वो अलेक्सा में डालने का बता दिया ना मैंने। हाँ तो सेंट्रल तुम्हारा जो होगा ना वो डेटाबेस होगा मोंगो डीबी का, वहीं से उठ के सब चीजें जा रही होंगी आपके सब जगह। ठीक है, तुम ये कर सकते हो कि ये डेटाबेस से तुम मंगवाओ, मतलब एक अलग से वो जाहिर है एक अलग से स्क्रिप्ट होगी जो क्या करेगी, तुम एक बटन दबाओगे या वो फंक्शन को चलाओगे तो वो डेटाबेस से सारे आइटम को गेट करे जितनी भी डिशेज हैं और उसको प्रॉपर बना के ना जिस तरह का उसको चाहिए ऑब्जेक्ट वो बना के उसको अलेक्सा के स्लॉट में भेज, तो जो डेटाबेस में सेम वही अलेक्सा के स्लॉट में जाएगा। अब कल को अगर कोई डेटाबेस में कुछ ऐड करता है तो वो स्क्रिप्ट दोबारा रन होगी, तो फिर वो क्या करेगा पूरा उठाएगा। सर ये जो अपडेट वाली आपने बताई ये स्क्रिप्ट चलेगी, ये मतलब इसी से ही होगा? ये तो मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट बताया, तुम्हें प्रॉपर इसका कोड लिखना पड़ेगा, एक एक एपीआई लिखनी पड़ेगी तुम्हें स्लैश पे, यानी ये स्लैश अपडेट स्लॉट, ठीक है, वो स्लैश अपडेट स्लॉट जैसे ही किसी ने हिट किया वो पूरा उठा गया उसको। अब उसको तुम सिक्योर भी कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए भाई, वरना तो हर बिक्रिप्ट लगा दो या कुछ, हां बिक्रिप्ट वगैरह उसमें जो एक बड़ी बेसिक ऑथेंटिकेशन है ना क्या कहते हैं JWT, हां वो लगा सकते हो उसमें। अच्छा तो भाई हो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे जाऊं, मैं किसी एक को कोर्स बनाता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं एलन मस्क वगैरह, किसको मैं कोर्स बनाता हूँ? मैंने वकार को कोर्स बना दिया, बाकी लोग अपने नाम से लॉगिन ही नहीं होते क्या करेगा, तो वैसे मैं COVID-19 को कोर्स बना दूं फैल गया सब जगह। अच्छा भाई मैं अलेक्सा स्किल किट के डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ जनाब, कंसोल Thank you.
एंड पॉइंट्स पे जाके मैंने अभी वाला एंड पॉइंट पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। एंड पॉइंट पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको सेव मॉडल करना है और बिल्ड मॉडल करना है। अच्छा, उसके बाद अब इंटेंट्स में देख लेते हैं। जो प्लेस ऑर्डर वाला इंटेंट था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस करता जा रहा है, उसके वो कार्ट में एड होता जा रहा है। अब हम करने जा रहे हैं चेकआउट, ठीक है, चेकआउट हम करने जा रहे हैं जो मेन मेन है, फिर हम एम्प्टी कार्ट और ये चीजें हम थोड़ी देर में कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू इंटेंट ऐड करूंगा और मैं इसको नाम दूंगा चेक आउट, ठीक है जी, और क्रिएट का बटन दबा दूंगा। बंदा क्या कह सकता है, चेकआउट कह सकता है, ये कह सकता है दैट्स इट, ठीक है। रीप्रॉम्प्ट कहाँ है, हाँ ठीक है, दैट्स इट। मैंने वहां पे लिखा था जब वो एक एक आइटम ऐड करता था, तो मैंने उसको कहा था कि फील फ्री टू ऐड मोर आइटम्स और से चेकआउट टू कंप्लीट योर ऑर्डर, तो वो चेकआउट इसीलिए मैंने सबसे पहले लिख दिया। अच्छा, चेक और आउट मैं अलग अलग भी लिख देता हूँ, मे बी समटाइम वो अलग, चेक और आउट में अगर थोड़ा फासला दे दे तो अलग अलग पकड़ेगा, तो अलग अलग में भी इसको इसी तरह समझेंगे, ठीक है। या आई एम डन बोले बंदा, ओके, या कंप्लीट माई ऑर्डर बोले, तो सही अंग्रेजी नहीं, अच्छा इतना ही रखते हैं, चार पांच लिख दिया ना हमने। रेकमेंडेशन में देखते हैं क्या कह रहा है वो। आई वुड लाइक टू चेक आउट, एक इसने सजेशन दी, ठीक है भाई, ऐड कर दिया हमने इसकी सजेशन, डन भी है। ठीक है जी, रिकमेंडेशन रिफ्रेश, कुछ ना कुछ देता ही रहेगा, छोड़ो काफी है, सेव कर दिया मैंने उसको। अच्छा, नीचे इसमें कोई स्लॉट लेने की जरूरत नहीं है, बंदा बस कह रहा है डन कंप्लीट, खत्म बात। तो मैंने बिल्ड का बटन प्रेस कर दिया और उसके बाद मैं जाता हूँ टेस्ट वाली स्क्रीन खोल लेता हूँ दूसरी साइड पर। अच्छा, और चेक आउट के अगेंस्ट मुझे अपने कोड में एक फंक्शन बनाना होगा, ये प्लेस ऑर्डर वाले फंक्शन को मैंने डुप्लीकेट किया और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, चेक आउट इंटेंट हैंडलर, ठीक है। मैंने पूरे को कॉपी इस वजह से किया है कि काफी चीजें डेटाबेस वाली इसमें वो सेम उसी तरह इस्तेमाल हो रही होंगी जैसे उसमें। अच्छा, इसी तरह लास्ट में मैं आया, इसके नाम को कॉपी किया मैंने और लास्ट में यहाँ पे ऐड भी कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मैंने इसको ओपन किया, मेरे पास स्लॉट तो कोई भी नहीं है, तो ये स्लॉट वाली चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, डिश नेम क्वांटिटी ये भी नहीं होगा, ठीक है, इफ डिश नेम क्वांटिटी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अच्छा इसमें ना मुझे एक स्लॉट आई थिंक चाहिए होगा, वो स्लॉट क्या है, वो नहीं पेमेंट नहीं, मिसाल के तौर पे बंदे ने कहा चेकआउट, तो एथिकल बात ये है कि बंदे को ना बताया जाए कि आपके ना ऑर्डर में ये 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 चीजें हैं, आर यू श्योर टू कंप्लीट योर ऑर्डर, ठीक है, ये इस तरह उसको बताया जाए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इसमें एक स्लॉट मुझे चाहिए, क्योंकि बंदा यस बोलेगा तो मुझे एक कस्टम स्लॉट बनानी चाहिए यस और नो वाली, देख लेते हैं कोई बिल्टन अगर उसमें स्लॉट हुआ तो वो ले लेते हैं, अदरवाइज अपना बना लेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि
कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन मैंने लिख दिया इसका नाम कैपिटल स्मॉल सी से और प्लस का बटन दबा दिया। अब यहां पे मैं चेक करता हूं कि बूलियन के नाम से नहीं है कोई, ट्रू फॉल्स के नाम से नहीं है। अरे भाई कितने सारे लोग, और क्या इसका कंफर्मेशन लिख लेता हूं, मैं जस्ट बिल्ट इन स्लॉट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज है जो हम इसको इस्तेमाल कर सकें इसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो हमें कस्टम एक स्लॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। नो और यस है, कस्टम करनी पड़ेगी, कस्टम करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, स्लॉट टाइप्स को खोलूंगा मैं। अच्छा इसको तो मैं सेव कर दूं पहले, यहाँ पे फिलहाल इसको सेव कर दूं जितना मैंने लिख दिया, और स्लॉट टाइप्स में जाकर एक टाइप ऐड करूंगा मैं ऑफकोर्स, क्योंकि पहले से तो टाइप मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि कंफर्मेशन, ठीक है जी, नेक्स्ट, कंफर्मेशन में क्या क्या वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे चाहिए यस, ठीक है, और मुझे चाहिए नो, ये दो मुझे इसके अंदर वैल्यू चाहिए। अब यस के अगेंस्ट मैं बहुत सारे सिनोनियम्स लिख सकता हूं, ओके यप, वाई एच या, ठीक है, यस इटसेल्फ खुद भी होगा इसमें, ठीक है, आई डू, सही है, यस आई डू, कंफर्म, ठीक है, श्योर, ओके हो चुका है, नहीं वो इतना एब्सोल्यूट नहीं है, वो जो है बीच वाली बात हो गई, काफी है मेरे ख्याल इतना, ठीक है, नो की जगह सबसे पहले कैंसिल बोल दे, नो बोल दे, डोंट बोल दे, आई डोंट नो नहीं, उससे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये चीजें आइटम ऐड है, आर यू श्योर, ये पूछ रहा हूँ, तो वो नो बोलेगा या एन ओ पी नो बोलेगा, एन ए एच ना भी बोलते हैं लोग, नेगेटिव, इसमें यस में अफर्मेटिव भी होगा, ए डबल एफ पी आर, इसमें नन होगा। अच्छा यस की जगह ना आई आई भी बोलता है, आईडी an optional id that will be sent to the intent request, misal ke taur pe aap cha rahe hain ki yaar jaise yes hai na to aap usko string ke taur pe na karwaye aap id se match karwaye ki agar id equals to ye to inhone isliye rakha hua I think value se match karwana zyada sahi rehta hai more human like hota hai ki bhai if confirmation triple equals to yes ya triple equals to no zyada samajh aane wali cheez hai isliye main ye id use nahi karta ये डायलॉग फ्लो में भी होता है कि आईडी भी होती है नाम भी होता है दोनों होते हैं ठीक है हमने काफी सारे इसमें आइटम ऐड कर लिए हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड थे और सेव कर देता हूं उसको ठीक है जी अब मैं वापस चला जाता हूं अपने चेकआउट के अंदर और चेकआउट में जाके मैं कहता हूं कि कंफर्मेशन हमारी स्लॉट है और इसको मैं कह देता हूं कि ये रिक्वायर्ड नहीं है बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड नहीं होती है
वैल्यू, तो क्या होगा कि जैसी बंदा बोलेगा वो सीधा वेबहुक पे जाएगा और वहां से मैं उसको पूछूंगा कि भाई ये वैल्यू मुझे बताओ यस या नो। अच्छा जी, सेव कर दिया इसको मैंने। इंटरेक्शन मॉडल में तो अब किसी को इशू नहीं है, जो चीजें मैं बना रहा हूँ इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। सिंपली मैंने क्या स्लॉट ऐड किया, एक इंटेंट ऐड किया। अच्छा, चैटबॉट डेवलपमेंट जो है ना इटसेल्फ वो यही है, मतलब इंटेंट और ये मॉडल और ये चीजें क्रिएट करना। अदरवाइज जो हम वेबहुक में चीजें कर रहे हैं वो तो जनरल वेब डेवलपमेंट के अंदर भी वो चीजें लोगों को सिखाई जाती हैं, ऐसा ही है ना। मतलब वेब डेवलपमेंट में जो सर्वर तो पढ़ता ही है बंदा, मोंगोडीबी भी पढ़ता है, तो जो मोंगोडीबी में कैसे क्या पुश करेंगे कैसे रखेंगे, ये चैटबॉट डेवलपमेंट का कोर नहीं है। कोर ये है, अगर ये इंटरेक्शन मॉडल में आपका हाथ सेट है, आपका हाथ साफ है, तो इसका मतलब है कि चैटबॉट डेवलपमेंट का कोर आपका सेट है। ठीक है, सर्वर पे कोई मसला आ रहा है, डेटाबेस में समझ में नहीं आ रहा चीज कैसे होगी, ठीक है, तो वो फिर आपका वो जनरल वेब डेवलपमेंट की चीज है। तो अच्छा जी, ये हो गया जी, हमारे पास बिल्ड हो गया, सेव हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आ गया ना, मुझे वो चाहिए होगा कि भाई अगर नॉट कंफर्मेशन अगर इस वक्त मौजूद नहीं है, स्लॉट को मुझे गाइड भी करना होगा, वो स्लॉट वाले को भी मैं ले आता हूँ वापस कोड को, ठीक है। स्लॉट्स, अच्छा स्लॉट में मुझे क्या चाहिए, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन की यही स्पेलिंग लिखी थी ना मैंने, ठीक है, कंफर्मेशन की वैल्यू मैंने यही लिखी है, कंफर्मेशन हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि कंफर्मेशन, जाहिर है शुरू में जब ये बंदा कहेगा कि आई एम डन या चेकआउट कहेगा, तो कंफर्मेशन उस वक्त नल होगी या अनडिफाइन होगी शुरू में, तो उसको केस में मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब एल्स में मैं फिर दूसरा काम करूंगा, तो पहले इस इफ के अंदर अंदर मुझे क्या करना है वो मैं देख लेता हूँ। इस इफ के अंदर अंदर मुझे ये करना है कि इस बंदे की ईमेल गेट करना है। अच्छा, ईमेल तो मुझे हर हाल में ही गेट करना है, तो ईमेल मतलब कंफर्मेशन हो या ना हो, तो मैं फिर उसको बाहर कर लेता हूँ, शुरू में ही कर लेता हूँ जी। ये करना इन्होंने कहा है कि जरूरी है, क्योंकि अच्छा दो बातें अभी यहाँ पे आ गई है, दो सवाल, दोनों का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नंबर एक बात, जो आप कह रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल एक बना के उसमें मैं रख दूं, तो वो असल में आप एक दफा में बनाएंगे ना, अगली रिक्वेस्ट में वो आपको मिलेगा नहीं, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले। उसका रीजन ये है कि हम जब सर्वर शुरू शुरू पढ़ा था हमने, तो हमने पांच क्वालिटीज पढ़ी थी REST API की, तो उसमें एक था स्टेटलेस, क्योंकि जो एक्सप्रेस जो चल रहा है ना आपके पास, एक तो नैनो सर्विस है जो AWS के लैम्डा फंक्शन के अंदर आप लिखते हैं, उसमें तो गारंटी है कि आप एक दफा जो लिखेंगे वो अगली दफा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा इंस्टेंस एक ही दफा बनाता है, एग्जीक्यूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है हर दफा, लाजमी करेगा वो। माइक्रो सर्विस में ऑन अदर एंड क्या होता है, एक इंस्टेंस बनता है और उस पर रिक्वेस्टें आती रहती हैं, थोड़ी देर तक नहीं आती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, माइक्रो सर्विस का ये आर्किटेक्चर। फिर मिसाल के तौर पर रिक्वेस्टें अगर ओवरफ्लो होती है एक इंस्टेंस से, तो वो दूसरा बना लेता है, दोनों पे साइमल्टेनियसली भेजता है रिक्वेस्ट। अभी तो खैर नहीं होगा हरिको में तो एक ही बनाता है वो फ्री में, वो एक से ज्यादा अलाउ नहीं करता, एक वक्त में एक इंस्टेंस से ज्यादा वो फ्री में अलाउ नहीं करता। अब पेड करेंगे तो फिर उसमें वो कहते हैं नॉड्स, नॉड्स एक उन्होंने नाम रखा हुआ है अपना, यानी कि एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं नॉड्स, वैसे वो इंस्टेंस है। तो एक इंस्टेंस बनाया, उस पर ट्रैफिक अगर ज्यादा आ जाती है तो वो एक दूसरा इंस्टेंस या एक दूसरा नॉड खड़ा कर देता है साथ में, तो दोनों पर ट्रैफिक जा रही होती, पता चला पहली जब हमें इस पे आई आपकी रिक्वेस्ट, अगली जगह हमें किसी और पे चली गई, तो वो आपको नहीं मिलेगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपने ग्लोबल बनाया हुआ है, तो जितने भी लोग स्किल को कॉल करेंगे ना, वो ग्लोबल वेरिएबल तो सबके लिए सेम है कि नहीं, तो फिर मसला तो वहीं घूम के आ गया ना। अच्छा, एक ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि ग्लोबल वेरिएबल मतलब आप नहीं बना सकते। अच्छा, एक दोस्त ने कहा कि हम एक फंक्शन बना ले जिससे हम गेट करें उसको, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक फंक्शन के बगैर ही हम उसको कर लेते हैं।
क्योंकि अभी ज्यादा लंबा हम कोड नहीं लिख रहे, लेकिन जब कोड बड़ा होता है जाहिर है जब एक चीज बार बार करनी होती है तो उसके लिए रीयूजेबल फंक्शन एक हमें बनाना चाहिए। हाँ तो हम उसको एक फंक्शन बना लेंगे पूरा, उस फंक्शन को हम कॉल करें टोकन डाल के उसके अंदर और वो हमें दोनों चीजें रिटर्न करते हैं बस, ताकि हमारा जो कोड है वो सिंप्लीफाई हो जाए और डिटेल्स कहीं और भी करना है। ठीक है तो ये हम कर सकते हैं। हाँ लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उसको हम गेट करके सेव कर लें अपने पास, कुकीज यहाँ पे होती नहीं है ना, वेब में होती है कुकीज, इसमें नहीं होती। इसमें भी कुकीज के रिप्लेसमेंट में इसमें वो होता है परसिस्टेंट सेशन होता है, तो सेशन के डेटा में ना आप वो चीजें सेव करवा सकते हैं, लोकल स्टोरेज ही है वो काइंड ऑफ इट। ठीक है अच्छा वेब में लोकल स्टोरेज सिक्योर नहीं है लेकिन इसमें सिक्योर है, क्योंकि इसमें उसका एक्सेस किसी को भी नहीं होता, क्योंकि यूजर तो सिर्फ बोल सकता है ना उससे, ना उसमें कोई पोर्ट है कि इसमें तार लगा के कुछ देख लेगा, वो कुछ है ही नहीं। तो इसके अंदर जो लोकल स्टोरेज है वो सिक्योर है, जैसे मोबाइल ऐप में जो लोकल स्टोरेज होता है ना वो सिक्योर होता है, लेकिन वेब में जो है वो लोकल स्टोरेज सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें तो राइट क्लिक करेगा लोकल स्टोरेज में सब दिख रहा होता है, फिर दूसरा ये कि वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड भी हो जाता है तो कोई भी अपनी स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है उसमें, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई केस नहीं है, आपका सर्वर बिल्कुल ही प्राइवेट होता है, उसमें कोई अपनी चीज इंजेक्ट नहीं कर सकता इतनी आसानी से। ठीक है तो इसमें लोकल स्टोरेज में हम रख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मैं ये समझता हूँ कि वो जरूरी नहीं, और लोकल स्टोरेज की ना जरूरत बहुत ही कम पड़ती है इस केस में खास तौर पर। तो इसलिए मैंने जो कार्ट भी बनवाया है वो कार्ट में चाहता तो लोकल स्टोरेज में भी बना सकता था, लेकिन मैंने वो डेटाबेस में बनवाया, क्योंकि डेटाबेस जो है वो ज्यादा रिलायबल है। अच्छा और कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता रिस्पांस टाइम में, क्योंकि MongoDB भी बहुत ही फास्ट है, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता रिस्पांस टाइम में। फिर दूसरा ये कि लोकल स्टोरेज में आप चीज को सेव करवाते हैं ना तो बहुत सारी जगहों पर आप फंस जाते हैं, क्यों बात निकल आई है तो पूरी बता देता हूँ। देखो आमतौर पर होता क्या है कि चैट बॉट ना डेडिकेटेड ऐप्स नहीं है पूरी आजकल इस वक्त राइट नाउ, कोई भी ऐप ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ वॉइस पे बनी हुई है और उसका कोई वजूद ही नहीं है। 90% ऐसी एप्स हैं यहाँ पर जो आपके पास रिक्वायरमेंट भी आती है या जो मौजूद है मार्केट में आप सर्व करेंगे जो, तो कोई एग्जिस्टिंग ऐप होती है उसका वॉइस का वर्जन होता है छोटा, पूरी चीज उसमें नहीं हो रही होती, थोड़ी चीजें उसमें दे देते हैं, जो जो वॉइस पे हो सकती है चीजें वो उसमें दे देते हैं। सही है अच्छा नतीजा उसका क्या निकलता है, नतीजा उसका ये निकलता है कि भाई अगर जैसे फूड ऑर्डरिंग की ऐप की बात करें तो यहाँ से जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना वो कार्ट मेरे मोबाइल में भी दिखना चाहिए, वो कार्ट जो है वो ऑर्डर जो है मेरे मोबाइल में भी दिखना चाहिए और वो यहाँ वॉइस पे भी काम करना चाहिए, तो वो तो बगैर डेटा के पॉसिबल ही नहीं, समझ रहे हो। तो इस वजह से ना 90% जगहों पे हम लोकल, जैसे अभी कार्ट में मैं लोकल स्टोरेज यूज कर सकता था जो परसिस्टेंट के नाम से आप डॉक्यूमेंट में देख लीजिएगा बहुत ही आसान है, तो परसिस्टेंट स्टोरेज को यूज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है कि डेटाबेस में चीजें होनी चाहिए। तो अब जब अभी आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे तो आप सब लोगों को मैंने बल्कि ये भी कहा था कि आप सब लोग इंटरव्यूज दें मुख्तलिफ जगहों पे जाके, चैटबॉट से रिलेटेड लिंक्डइन पे अपन प्रोफाइल अपडेट करेंगे, हम चैटबॉट डेवलपर बन चुके हैं ठीक है, और सर्च करें जॉब के लिए, तो आप जब इंटरव्यूज में भी जाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट जब सुनने को मिलेगी ना कि, क्योंकि एम्प्लॉयर बताता है कि मैं इस तरह की प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आप उसमें भी ये चीज ढूंढेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वो डेटाबेस से रिलेटेड ही चीज होती है। अच्छा जी तो कंफर्मेशन मैंने उठा लिया, कंफर्मेशन को मैंने लॉग में प्रिंट भी करवा दिया। अब नॉट कंफर्मेशन अगर है, कंफर्मेशन अगर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया बंदे ने, उसका मतलब वो पहली दफा बोल रहा है, तो इस पॉइंट में मुझे क्या करना है, सारी चीजें उठा के लानी है कार्ट में से, और कार्ट में से लाके और उसको पूरे को लिख के बताना है यूजर को कि आपके पास ये चीजें हैं कार्ड में। अच्छा उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ईमेल गाइड करनी पड़ेगी। रीप्रॉम्प्ट चलाएंगे ना अभी मैं, अरे मेरा बच्चा रीप्रॉम्प्ट ये लगा मैंने। नॉट कंफर्मेशन जब तक अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यस और नो दोनों स्ट्रिंग है, दोनों ट्रू होगा, यस भी होगा तो भी ट्रू होगा, नो होगा तो भी ट्रू होगा ठीक है। तो अगर कंफर्मेशन बंदे ने नहीं दिया अभी तक तो उस केस में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर हम इसके बाद एक इफ लगाएंगे कि कंफर्मेशन अगर यस है तो क्या, कंफर्मेशन नो है तो क्या, ये तीन उसमें लगेगा पूरा ठीक है।
तो मैंने ये बात, अब मुझे ईमेल गाइड करनी है सबसे टॉप पे, क्योंकि मुझे तीनों केसेस में ईमेल की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं भाई यहाँ से आता हूँ और ईमेल गाइड करने वाला जो मेरा पूरा कोड था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ट्राई का पूरा जो ब्लॉक है ना, ये मेरा पूरा क्या है, ईमेल गाइड करने वाला आइटम है ये। हाँ असल में दो ट्राई है वो, सही है। तो मैंने ये स्लॉट गाइड किया और इस पॉइंट पे आके मैं इस पॉइंट पे वो ईमेल गाइड करने वाली चीज मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये ट्राई है, यहाँ पे ईमेल गाइड हुई, ईमेल को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ईमेल को प्रिंट करवाने के बाद अब यहाँ पे ना कुछ मजीद भी चीजें होगी दूसरी, ठीक है, यानी डेटाबेस में कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो बस मेरा जो डेटा है ना, यानी ईमेल जो है वो इस पॉइंट तक मेरी ईमेल गेट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं जितना भी नीचे का बकाया कोड है वो सारा इसके अंदर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, इफ से लेके। और आई थिंक मुझे ये पूरा ही कोड करना पड़ेगा, तो मैं ये उसको ना हटा ही देता हूँ, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे मेरी ईमेल गेट हो चुकी है, ठीक है। नॉट ईमेल पे वो बता देगा बंदे को और रिटर्न कर देगा पहले ही कि भाई आपके पास ईमेल अटैच नहीं हुई, तो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर अब नॉट कंफर्मेशन पे मैंने किया, अब मेरे पास ईमेल मौजूद है, अब मुझे डेटाबेस से क्या गेट करके लाना है, उस बंदे के कार्ट में जो जो आइटम है वो सब गेट करके लाना है। क्या करूंगा मैं, कार्ट मॉडल यही रखा था ना, कार्ट क्या रखा था यार नाम उसका, कार्ड डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड में मैं क्या दूंगा, ईमेल बंदे की क्या होनी चाहिए, इस ईमेल के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, कॉमा। अच्छा इसमें एसिंक चलता है, एड्रेस भी ले सकते हैं, चार चीजें हम ले सकते हैं यार। असल में दो चीजें मैंने गेट करके दिखा दी है, बाकी दो भी उसी तरह होगी, सही सर। हाँ देखो, मगर एड्रेस का डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैंने जो अलेक्सा में एड्रेस डाला हुआ है ना, मैंने सिर्फ कराची कराची लिखा हुआ, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि जो है ना कोई चीज, नहीं मैंने इतना कुछ डाला हुआ नहीं है ना, वो ऑप्शनल होता है। जो पोस्टल कोड होता है ना, वो पोस्टल कोड तो पूरा ग्रिड दे देता है, यानी मेरे पूरे टाउन का जो पोस्टल कोड होगा ना वो एक होगा, और अगर टाउन छोटा है तो फिर दूसरा टाउन भी उसी पोस्टल कोड में आ रहा होता है। जैसे जैसे मेरा टाउन है बहुत बड़ा, तो मेरे टाउन के तीन पोस्टल कोड लगते हैं अलग अलग, ठीक है। औरंगी टाउन बहुत बड़ा टाउन है, तो वो ग्रिड में ना, वो तीन ग्रिड में ऐसे वो फैला हुआ है। नहीं नहीं लिख के देने का तो केस ही नहीं है ना, बंदा बोलेगा यहाँ तो बोलने का केस, अलेक्सा में लिखने वाला कोई केस नहीं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है, फिर भी रेकमेंडेड ईमेल आप बोल के नहीं दे सकते, ये बात कंफर्म है। ईमेल मैं मिसाल दे रहा हूँ, ईमेल हो गई बोल नहीं सकते आपको, एड्रेस है ये बोल के कुछ केसेस में आप बोल के ले सकते हैं, ईमेल भी बाय द वे कुछ केसेस में बोल के ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे malik@sysborg.com ये बोलेंगे उसको समझ आ जाएगा, लेकिन अंडरस्कोर भी तो होता है ना ईमेल में, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो एड्रेस के अंदर भी कॉलन होता है, स्लैश होता है, अंडरस्कोर होता है, जब ये इस तरह का कोई एड्रेस आ गया ना, तो फिर वहां पे फेल हो जाएगा आपकी अप्रोच। वैसे तो अगर कोई कहता है ना कि 23rd स्ट्रीट मेन वेन्यू न्यूयॉर्क, आसान है एड्रेस, ठीक है ना। या कोई अगर कहता है 9th स्ट्रीट फला फला मोहल्ला, क्या बताएगा, नहीं। हाँ देखो, अब ये भी एक प्रॉब्लम है ना, एड्रेसेस के साथ भी ये इशू है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है अब, तो दुनिया भर में जो एड्रेसेस है ना वो अलग अलग है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है गली नंबर, प्लॉट नंबर होता है भाई, वो प्लॉट नंबर की भी हालात क्या है वो ग्राउंड रियलिटी वो अलग ही है ना, प्लॉट नंबर भी उल्टे उल्टे ही चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना शीट होता है, स्ट्रीट होता है, गली नंबर 9, उसके बाद होता है शीट, कि शीट कौन सी है। अब वो शीट क्या है, वो एक पेपर होता है गवर्नमेंट के खातों में, कि उस पेपर के अंदर वो आपका आया,
एक बड़ा सा होता है पेपर, तो उसको कहते हैं शीट नंबर वन है। फिर दूसरा पेपर होता है ब्लॉक्स में लगाया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब वहां यूएसए में ना ऐसे नहीं होता, यूएसए में शीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पे है ब्लॉक। वो हर ब्लॉक का उन्होंने नाम एक तो अलग रखा हुआ है। अब हमारे यहाँ भी जो डिफेंस में जो कॉलोनीज बनाई है इन्होंने, वो इस तरह बनाई है, उसमें हर ब्लॉक का उन्होंने एक नाम रखा है, खयाबान करके रखा है, खयाबान शहर है, खयाबान इत्तेहाद है। तो वो ब्लॉक असल में किसको कहते हैं, वो के नहीं ब्लॉक असल में अगर मैं आपको बताऊं ना, पेंट में बना के नहीं, लंबी करना कभी कभी जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि देखो ये इनपुट लेना, ये हर ऐप में आपको लेना पड़ेगा इनपुट, तो मैं इसीलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये चक्कर है क्या। जैसे अब ये है ना, सही है, ये एक रोड है, सही है जी, और ये एक रोड है, सही है, ये भी एक रोड है यहाँ पे, और ये भी एक रोड है। अब ये ऐसे ऐसे ना गलियां बनी हुई है, सही है। अब यहाँ पे है गली नंबर एक और यहाँ पे है गली नंबर 26, सही है। अच्छा, इस ये इतना जो है ना एक ब्लॉक है, ये 1 से लेके 26 तक ही एक ब्लॉक है, सही है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे गलियां बनी हुई है, सही है, यहाँ पे भी गली नंबर 1 से लेके गली नंबर 26 तक है, तो ये एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। तो फ्यू ब्लॉक्स या वन ब्लॉक ऐसे करके, अब एक गली में ना ऐसे ऐसे करके कितने होते हैं, 100 तक भी घर हो सकते हैं, ठीक है। जो जो अभी जो नई आबादियां है ना, जो नई कॉलोनाइजेशन हो रही है, उसमें गलियां बहुत लंबी लंबी होती है, गलियां ये लंबी लंबी रखते हैं जानबूझ के, ठीक है, ताकि वो ब्लॉक एड्रेसेस में ना ज्यादा ज्यादा ब्लॉक ना बने। तो अब आप यहाँ पे हमारे पास जो डिफेंस में जो नई वाली कॉलोनीज बनी है, उसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो रोड है ना, ये जो रोड है, ये उस रोड को काउंट करता है जिस पर गाड़ी चलती है, ये वाला रोड। अच्छा, बीच में ना गलियों के बीच में भी पतली गलियां भी निकली गई हैं, पतली गलियां भी निकाली हुई इन्होंने, मतलब ये एक गली, दो गली और तीन गली को मिला के इन्होंने एक ब्लॉक खयाबाने शहर समझा हुआ, समझ रहे हो। बट वो इस रोड को काउंट नहीं करते, वो कहते हैं ये रोड नहीं है, ये जो है ना लोगों के लिए मतलब सर्विस रोड बना हुआ है। यहाँ पे है बाकायदा वो पतली सी गली है, आप देखेंगे यार ये क्या सीन है, ऐसे सर ने बताया था ऐसे तो ये दूसरा ब्लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं है दूसरा ब्लॉक। तो यहाँ पे यानी उन्होंने कंसिडर क्या किया हुआ कि जिसपे गाड़ी चलती है ना, मेन जो रोड है, जो टू वे रोड है, एक आने वाला रोड अलग होता है, जाने वाला अलग होता है, तो ब्लॉक के इस तरफ आने वाला रोड है, ब्लॉक के उस तरफ जाने वाला रोड है, ऐसे इन्होंने बनाया। अब उसके बीच में पतली पतली जो गलियां आती है ना, उसको भी ब्लॉक में काउंट करते हैं। तो अब ये ब्लॉक का सिस्टम अलग है, आप कभी भी कोई मूवी देखेंगे ना, इंग्लिश मूवी जो अफगानिस्तान के इराक का बना हुआ होगा, जब वो कम्युनिकेशन करेगा अपने पास, तो वो बताएगा कि मैं इतने क्लिक्स अवे हूँ, या बोलेगा वो मैं इतने ब्लॉक्स अवे हूँ, कहेगा 4 ब्लॉक अवे हूँ मैं फला जगह से, वो पूछेंगे किधर हो तुम, हेलीकॉप्टर भेजना चाह रहे हो, तो कहेगा मैं इतने ब्लॉक्स अवे हूँ। तो वो वहां पे ब्लॉक्स का सिस्टम है। अच्छा, फिर ब्लॉक्स के बाद जो है वहां पे स्ट्रीट्स होती हैं, स्ट्रीट का तो सेम ही कॉन्सेप्ट है हमारी तरह, लेकिन वो पूरा जो ब्लॉक के ना, यानी ब्लॉक का जो सब वैल्यू है वो स्ट्रीट है। अच्छा, फिर ब्लॉक के ऊपर क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है ब्लॉक के बाद, यानी हमारे यहाँ शीट होता है ब्लॉक की जगह। अब शीट किसी का पता नहीं, किसी में शीट में 6 गलियां आती है, किसी में 200 गलियां भी है शीट में, पतली पतली वगैरह। हमारे पास शीट के बाद क्या आता है एड्रेस में, हमारे आता है चौक, सही है, चौक या मोहल्ला, मोहल्ला भी कह सकते हैं, जैसे सादकाबाद, ठीक है, ऐसे नाम रखा हुआ है, या रईस अमरोही चौक, या अगर यहाँ पे आप आएंगे तो इस तरह करके लोगों ने गोली मार, वो चौक है, या नागन है, वो एक चौक है, चौरंगियां है। तो चौरंगियों के छोटे छोटे, अब एक तो ये मेन चौरंगियां ना, जो मेन रोड पे आती है, गलियों के अंदर बहुत सारी चौरंगियां होती है। तो असल में वो क्या होता है कि 4 शीट, 5 शीट, 6 शीट को मिला के उन्होंने क्या किया हुआ होता है, एक मोहल्ला बनाया हुआ, सही है, एक मोहल्ला उन्होंने बनाया हुआ होता है। जैसे परफ्यूम चौक है यहाँ पे बड़ा मशहूर, तो अच्छा मोहल्ले के बाद क्या होता है फिर,
डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, पूरे कराची इज अ डिस्ट्रिक्ट, वही यूनिट की बात हो रही है इसमें, सब यूनिट अभी हमारा जो है, हमारा सबसे लास्ट जो अभी हमने देखा है वो देखा है शीट, शीट के बाद मेरा सवाल है कि क्या होता है मोहल्ला, हमने डिस्कवर कर लिया मोहल्ले के बाद क्या होता है। आमतौर पे अगर कोई छोटा टाउन है ना तो शीट के बाद ये मोहल्ले के बाद डायरेक्ट टाउन होता है, एक टाउन में तीन मोहल्ले चार मोहल्ले पांच मोहल्ले होते हैं ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा टाउन है तो उसके अंदर इसकी भी सब कैटेगरी है, साउथ होता है नॉर्थ वेस्ट होता है इस तरह होता है ठीक है। अच्छा गुलशन में बाय द वे ना ये ब्लॉक का सिस्टम थोड़ा सा है लेकिन उसमें भी पता नहीं चलता, यानी ब्लॉक का जो एक्चुअल मतलब है ना वो नहीं पता चलता। जैसे हम यहाँ पे ब्लॉक फाइव में है ना ये वाले, अब ये ब्लॉक फाइव कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है ये कोई गलियों का रोड का हिसाब नहीं है, ये बस ऐसी है। अच्छा गलियां बाय द वे है भी सीधी सीधी नहीं, अगर सीधी सीधी ना समझ में भी आता है, वैसे कहीं गोल घूमी भी है कहीं तिरछी है कहीं आड़ी है, वो बीच में नाले वाले भी आ जाते हैं पटरियां भी आ जाती हैं तो उससे भी वो काफी आड़ा तेड़ा हुआ भाई। तो अब यूएसए वगैरह में जो वहां पर पुरानी आबादियों में तो बड़ी बकवास ये चीजें हुई हैं सारी यही वाली हुई, दुनिया बनाए अब ग्लोबल विलेज, तो ये एड्रेस के फॉर्मेट्स हम देख रहे थे कि अलग अलग, तो वहां पर भी जो नई वाली आबादी बन रही है ना सिर्फ उसमें ये चीज है कि ब्लॉक के बाद डायरेक्ट सिटी होता है ठीक है। अच्छा सिटी के ज्यादा में ज्यादा दो पार्ट रखते हैं वो लोग, दो या तीन पार्ट रखते हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी है उसमें एक अपर साइड है एक लोअर साइड है बस, और अपर साइड में वो ब्लॉक है। अच्छा है भी छोटा सिटी है, मतलब कराची जितना बड़ा सिटी थोड़ी है न्यूयॉर्क, छोटा सिटी है जाहिर है, तो छोटे सिटी में ये हमारे यहाँ भी ये वाली चीजें हैं, तो अपर साइड है लोअर साइड है। अब वो कहेगा कि ब्लॉक नंबर इतना इतना अपर साइड और न्यूयॉर्क, अब वो ब्लॉक के अंदर ढूंढ लेगा बंदा कि कौन सा वाला है ठीक है। बंदे का नाम भी होता है, फिर वो घर का नंबर होता है, घर का नंबर वहाँ बड़ा एक्यूरेट है, ये तो है बेनिफिट देना पड़ेगा उनको, घर का नंबर उनका बड़ा एक्यूरेट होता है। फिर दूसरा घर का नंबर ना हर टाउन में या हर यानी सिटी के किसी ना किसी कोने में एक म्यूनिसिपल ऑफिस होता है उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी होना चाहिए लेकिन है नहीं, असूलन हमारे यहाँ भी होना चाहिए लेकिन वो है नहीं, वो खा गया वो सही है। तो वहां पे अगर आप कोई एड्रेस ढूंढने जाते हैं ना आपके है, अच्छा हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल ऑफिस है ना उसका भी बताता हूँ वो क्या है ठीक है। पहले मैं ये बता दूं, वो आप जब एड्रेस ढूंढने जाते हैं ना आपको मिलता नहीं है जब, तो लोग आपको कहेंगे कि यार म्यूनिसिपल ऑफिस ना वहां पर है, वहां पे से जाके आप मैप भी ले सकते हैं, इलाके का मैप आपको मिल जाएगा, पैसे लेगा वो मैप दे देगा आपको, उससे भी आप ढूंढ सकते हैं और वो आपको गाइड भी कर देगा देख के। अगर आप मैप लेना नहीं चाह रहे आप कहें यार बस बता दो मुझे ये कहाँ पड़ेगा, तो वो बता देगा यार इस कोने में इस पट्टी में कहीं होगा ये, नहीं बताने के पैसे नहीं लेगा बताने स्टेट। हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल ऑफिस है ना उसके बाहर तो बैठे हुए दरवाजा तो इसका बंद, बड़ा दरवाजा है वो सिर्फ जब खुलता है जब कचरे की गाड़ी अंदर बाहर आती है ना जाती है, कचरे की गाड़ी आने जाने के लिए खुलता है, अदरवाइज है वो बंद। और अगर आपने उसमें दस्तक दी तो वो चौकीदार आप कभी भी जिंदगी में अंदर जाने नहीं देगा ठीक है। कभी जिंदगी में आपको चौकीदार वो 10 सवाल पूछेगा, आप जब तक अंदर किसी का नाम ना बताए ना कि अंदर फला मेरा दोस्त है उसका नाम ये है मैं उसकी उसको ने बुलाया है, वो आपको अंदर ही नहीं जाने देगा। हमारे यहाँ तो यही है भाई, मेरे पास हमारे पास KMC करके है ऑफिस, तो पहले वहां पे NIC बनता था तो लोग रात को 2 बजे आके लाइन में लग जाते थे, सुबह 9 बजे खुलता था ठीक है ना। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है अब खत्म हो गया वहां से KMC से, तो अब तो ये वो बन गया नादरा मेगा सेंटर्स बन गया, वरना वहां पे रात को 2 बजे मैं गुजरता था ना कभी लेट हो जाता था घर जाने में, तो 2 बजे मैं देखता था वहां लोग सोए हुए बाहर कि सुबह 9 बजे खुलेगा तो मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगा। और अंदर के हालात भी मैं एक दफा मेरा इत्तेफाक भी हुआ जाने का, जो मेरा जिंदगी में पहला NIC बना था वो उस वक्त वहीं बनते थे, तो मैं वहां चला गया तो बहुत बुरे हालात थे और आज भी वही हालात, आप अंदर जा ही नहीं सकते, वो ऐसे आपको समझेंगे कि कोई टेररिस्ट आ गया मारने के लिए। अच्छा हरकतें भी तो की हुई है ना, फिर वैसी हरकतें की हुई है ना उन्होंने वहाँ पे, जो नाजिम और नायब नाजिम जो भी बैठे हैं वहाँ पे काउंसिलर, उन्होंने हरकतें की हुई हैं कि उनको आएंगे लोग मारने, अगर वो खोल देना दरवाजा उनको आएंगे लोग मारने भाई, ये गारंटीड बात है क्योंकि हरकतें उन्होंने की हुई है ऐसी। अब जाहिर है जो बंदा आके 2 बजे लाइन में लगाओ और फिर सुबह 9 बजे वो खुले और पूरा दिन खड़े होने के बाद भी उसका नंबर ही ना आए, तो वो तो फिर मारेगा ना आगे यार,
उसकी तो हटेगी, तो वो सही गेट भी बंद सही किया हुआ उन्होंने, उनको डरना भी चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा ट्रैक पे अब अपने वापस आ जाते हैं। मैंने कहा कार्ड डॉट फाइंड ईमेल और डॉट एग्जिट, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पे कॉल बैक वाला काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि इन्होंने जो एडॉप्टर बनाया है वो असल में करता क्या है, वो चला तो देता है माइक्रो सर्विस पे, लेकिन उसमें फीचर सारे नैनो वाले ही रहते हैं, यानी नैनो सर्विस वाले ही फीचर रहते हैं सारे, उसमें डॉट देन वाली चीज काम नहीं करती। अच्छा, फॉर अ वेरी गुड रीजन, क्योंकि जो नैनो सर्विसेज होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और वो जल्दी चलती हैं, स्पीड में चलती हैं। जो डॉट देन वाली चीज है ना, वो थोड़ी स्लो डाउन कर देती है चीजों को ना, थोड़ा स्लो हो जाता है आपका कोड उसकी वजह से। और डॉट देन वाले केस में ना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि कोड कब आपका खत्म हो गया या कब बाकी है, ये आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। और यही वजह है कि कभी कभी एक्सप्रेस के सर्वर में ना, आप अगर रिस्पॉन्स डॉट सेंड लगाना भूल जाते हैं तो वही हैंग हो जाता है, अटक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी के साथ आप बोल नहीं सकते कि कब कोड खत्म हो गया, आप जब तक खुद रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करेंगे नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा कि वो कोड ऊपर से चलता है, और अवेट की खासियत ये है कि जब मैंने यहाँ पे लगा दिया ना कि लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, तो अब अवेट ना जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता इस एपीआई का, वो इसी लाइन में खड़ा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा इसको, ठीक है। ऑन अदर एंड जो देन वाला होता है वो आगे बढ़ जाता है, पूरा कोड नीचे का चला देगा, जब रिस्पॉन्स आता है तो देन वाला कोड चलाता है। अब जावास्क्रिप्ट को ना ये नहीं पता चलता कि इसके देन पे कुछ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो थोड़ी लंबी हो जाती है उसके लिए। तो इस वजह से इन्होंने ये वाला तरीका किया हुआ है कि भाई आप सिर्फ अवेट इस्तेमाल करें, ताकि वो श्योरिटी के साथ कह सके कि अगर आखिर तक कोड पहुंच गया ना, आखिरी लाइन तक, तो वो खुद ही रिस्पॉन्स को वापस भेज देता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि कंप्यूटिंग पावर बचती है। लैम्डा फंक्शन इसी वजह से इतने चीप है, पर मिलियन, 1 मिलियन कॉल करेंगे आप तो पाकिस्तानी 40 रुपए चार्ज करते हैं, इतना चीप हो नहीं सकता था अगर ये ना करते हो, ठीक है, सबने किया भाई। तो ये फॉर अ वेरी गुड रीजन इन्होंने ये तरीका अख्तियार किया हुआ। अच्छा, इससे होता ये है कि फिर आपका इसको हरिको पे भी आप चला रहे हैं अगर, तो ये ज्यादा यूजर हैंडल कर लेता है ये वाला, अगर तरीका आपने अख्तियार किया हुआ। अच्छा जी, तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा कि यूजर कार्ट, मैंने इसका नाम रख दिया, नाम रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि कि इस यूजर का जो भी कार्ट था ना वो आ गया मेरे पास। अब यूजर का जो कार्ट है उसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूं कि इस यूजर के कार्ट में मेरे पास क्या है। अच्छा, जब भी मैं अवेट वाली चीज करता हूं तो इसका मुझे एरर हैंडल करने के लिए क्या करना होता है, इसको ट्राई के ब्लॉक में लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो डॉट कैच लग जाता है, इसमें डॉट कैच उस तरह से आप नहीं लगा सकते, यानी लग तो जाता है इसमें भी डॉट कैच, लेकिन प्रॉपर तरीका जो है ना वो ट्राई कैच इस तरह से लिखना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अच्छा, मैं अगर कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मैं कैच के अंदर अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं भेजता ना, कुछ भी ना करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये, फॉल बैक में चला जाता है खुद ही कि भाई मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी हम जस्ट जल्दी कंप्लीट करने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यूजर कार्ड को क्या किया, प्रिंट करवाया यूजर कार्ड को, प्रिंट करवाया और अब जाहिर है ये चीज भी मेरी कहां आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी इधर। अब इस यूजर कार्ड के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, एक जाहिर है जिस तरह का मैंने डेटाबेस में चीज रखवाई हुई है उसी तरह की चीज मिल रही होगी मुझे। रोबो 3T खोल के मैं जरा देख लूं कि कैसे हमने डेटाबेस बनाया था। अच्छा, होपफुली मुझे यूजर कार्ड के अंदर डॉट आइटम्स मिलेंगे। मैंने रेस्टोरेंट बॉट नहीं गलत कर दिया मैंने कनेक्ट, ये था एआई क्लास डेटाबेस, ये था हमारा। ये कार्ड्स है हमारे,
ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आएगा उसमें डॉट आइटम्स मुझे मिलेंगे, ठीक है जी, डॉट आइटम्स ये मुझे मिल गए। अच्छा, डॉट आइटम्स जो होगा वो जाहिर है एक एरे होगा और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं इस पे क्या कर दूंगा, डॉट मैप लगा दूंगा, ऐसा ही है। अच्छा, डॉट मैप करके मुझे क्या मिलेगा, हर दफा ईच आइटम मिलेगा, हर दफा मुझे ईच आइटम मिलेगा। अच्छा, अब ये जो मेरे पास एरे की सूरत में चीज आई है इसको मुझे कन्वर्ट किसमें करना है, एक जुमले में करना है इसको कन्वर्ट, कि यू हैव दिस 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 एंड दिस इन योर कार्ड, ये करना है राइट। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्पीच है ना, एक मैं लेट स्पीच करके बना लूंगा अपने पास, ठीक है हाँ, और एक मैं लेट बना लूंगा SSML, सॉरी इसमें SSML और स्पीच एक ही होता है, तो मैं स्पीच ही एक रखूंगा, उस वही SSML होता है ना मेरा, मतलब स्पीच में मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, SSML भी दे सकता हूँ, ऐसा ही है ना। डायलॉग फ्लो में असल में अलग होता है, डायलॉग फ्लो में स्पीच के लिए अलग होता है और SSML अलग होता है, तो आपकी मर्जी होती है कि आप दोनों को सेम रखें या दोनों को अलग रखें, और ये काफी लॉजिकल बात भी है, क्योंकि सम टाइम जो चीज हम दिखा रहे होते हैं ना, बोलने वाली चीज उससे मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा जी, तो अब मेरे पास क्या होगा, ईच आइटम मिलेगा, साथ में मैं इंडेक्स भी ले लेता हूं इसका, इंडेक्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मैंने ये कहा कि अच्छा स्पीच में मैं पहले से क्या लिख देता हूं, यू हैव, ठीक है यू हैव तो पहले से लिखना पड़ेगा मुझे, यू हैव दिस 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 एंड दैट इन योर कार्ड, ये मुझे बनाना है। अच्छा, तो मैंने कहा स्पीच प्लस इक्वल्स, प्लस भी मैं लगा दूंगा बीच में, एक स्पेस दूंगा शुरू में, बल्कि स्पेस नहीं, स्पेस ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, ईच आइटम रख दूंगा यहां पे मैं, ईच आइटम मैंने यहां रख दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया और स्पेस दे दिया, ठीक है, पहली दफा में ये एक आइटम ऐड कर देगा, अगली दफा में ये एक और ऐड कर देगा, फिर तीसरी दफा में एक और ऐड कर देगा, आखिरी दफा में मुझे क्या करना है, एंड के साथ ऐड करवाना है आखिरी दफा में, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लगा लेता हूँ, एक इफ लगा लेता हूँ कि ये लास्ट आइटम है या नहीं, और एल्स लगा देता हूँ, ठीक है, एक इफ एल्स लगा देता हूँ, ठीक है। इफ में मैं लगाता हूँ, इफ अगर ये लास्ट आइटम है, लास्ट आइटम कैसे पता चलेगा, मैं कहूंगा भाई यूजर कार्ट डॉट आइटम्स, ठीक है, डॉट लेंथ, ये टोटल मेरी लेंथ है ना एरे की। अच्छा, मैं अगर कहूंगा कि इंडेक्स हमारा हो जाए इक्वल्स इक्वल्स हो जाए, अगर इक्वल्स इक्वल्स तो नहीं होगा, कितना होगा, डबल इक्वल्स होगा, असल में मुझे माइनस वन लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स तो जीरो बेस होता है और लेंथ होती है वन बेस, तो मैंने कहा कि यूजर कार्ड का जो भी लेंथ है उसमें माइनस वन करके इंडेक्स अगर उसके इक्वल हो जाए तो ये आखिरी दफा में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा ये। तो अगर ये वाली सिचुएशन है ना, तो क्या करे, तो क्या करे बंदा, ये कर दे कि यहां पे लगा दे एंड, ठीक है, और लास्ट में क्या लगाए, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप से क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। SSML भी वैसे पूरी में लिख सकता हूं इसमें, लेकिन फुल स्टॉप अगर मैं वैसे भी जुमले में लगा दूं तो वहां पे वो थोड़ी देर रुकता है। अच्छा, तो ये जो मैप है ये जब चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा शुरू से आखिर तक, तो उसके बाद मेरी स्पीच में क्या आ चुका होगा, मेरी स्पीच में वो प्रॉपर पूरा जुमला बन चुका होगा। ये मैप चलने के बाद मैं स्पीच को यहाँ पे कॉन्सोल करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतनी ज्यादा कंसोल आप डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं कर, वो कर रहे होते, क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं सब चीजों को कंसोल कराता जा रहा हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखे कि कब क्या चीज क्या बन गई है। अच्छा, तो ये मैंने पूरा इसमें लगा दिया कि भाई ये आपके आइटम है इसमें। अच्छा, अब मुझे स्पीच में मजीद क्या लगाना है, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, से यस टू कन्फर्म, क्या होना चाहिए जुमला बताओ, प्लस इक्वल्स, प्लीज से यस टू कंफर्म, ठीक है। शुरू में स्पेस भी दूंगा मैं, क्योंकि यहां जो खत्म हो रहा है यहां पे मैंने स्पेस नहीं, बल्कि यहीं स्पेस दे देता हूं ऊपर ही, नीचे देने की जरूरत नहीं है,
ऊपर स्पेस दे दिया। ये इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि कहाँ पे आप स्पेस दे रहे हैं और कौन सा कब चलेगा। ये सबको समझ आया है जो मैंने लूप चलाया किस तरह, यूजर कार्ड के ऊपर हाइड्रेट किया हमने और पूरे को हमने ऐड कर लिया अपने जुमले के अंदर। अच्छा, अब इस स्पीच को मैं क्या करता हूं, मैं भेज देता हूं, करवा दिया ना कंसोल, सही है। अच्छा, और रीप्रॉम्प्ट में मैं क्या कहता हूं, प्लीज से यस, प्लीज से यस और नो, थोड़ी मुख्तलिफ बात कह दी मैंने। अच्छा, अब सिंपल कार्ड मेरा जो है, इस कार्ड में भी मुझे डिस्प्ले करवाना है, स्क्रीन वालों को भी मैं एंटरटेन करना है साथ साथ, तो कार्ड में मैं क्या डिस्प्ले करवा दूं, मैं कहूं कि योर कार्ड और नीचे आइटम की लिस्ट बना दूं सारी। ये मुझे कौन से पॉइंट पे करना होगा, ये मुझे स्पीच जैसे बना रहा हूं ना उसी साथ साथ मुझे ये भी बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड टेक्स्ट, जो मेरा कार्ड टेक्स्ट मौजूद है इसको मैं शुरू में कर देता हूँ एम्प्टी, योर कार्ड, ठीक है, योर कार्ड लिख दिया मैंने हेडिंग में। और अब मैं जो कार्ड का जो टेक्स्ट है उसमें मुझे क्या डालना है, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर वहीं पे जहां पे वो बाकी चीजें हैं ना, ये रहा स्पीच के साथ ही मैंने इसको भी इनिशियलाइज करवा लिया, ठीक है। इसको मुझे लेट बनाना पड़ेगा क्योंकि अब ये कॉन्स्ट नहीं है, क्योंकि नीचे मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर वन ऐसा लिखना है मुझे, उसके बाद मुझे लिखना है बीफ कबाब, सही है, सेम इसी तरीके से। तो अब मैं आता हूं जनाब स्पीच के फौरन बाद, मैं कहूंगा कार्ड टेक्स्ट प्लस इक्वल्स, ठीक है, और मैं कहूंगा सबसे पहले कहूंगा यहां पे इंडेक्स, उसके बाद लगाऊंगा डॉट, ठीक है, उसके बाद क्या लगाऊंगा ईच आइटम, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे बैक स्लैश एन लगाना है, बैक स्लैश एन भी लगा दिया मैंने यहां पर, बिल्कुल सही है ये। इंडेक्स के अंदर मुझे प्लस वन करना होगा क्योंकि इंडेक्स क्या है, जीरो बेस है, मुझे यहाँ पे वन बेस नंबर चाहिए, ठीक है, इंडेक्स जीरो बेस है, मुझे वन बेस चाहिए। अच्छा, इसके केस में लास्ट आइटम में भी कोई हमें खास चीज नहीं करनी, तो मुझे सेम चीज ही लास्ट आइटम में भी डाल दूंगा, लास्ट आइटम भी हो तो भी यही करना है हमें, अलग तो नहीं होगा कार्ड वाले केस में कुछ। ये मेरे कार्ड का भी टेक्स्ट तैयार हो गया और यहाँ का जो टेक्स्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ। मिल तो रहा है, अच्छा अच्छा सही है, ये मेरे कार्ड का भी टेक्स्ट तैयार हो गया, योर कार्ड लिखा हुआ जाएगा और यहाँ लिखा हुआ जाएगा। अच्छा, लास्ट में मैं कार्ड में क्या लिखवाना चाह रहा हूँ, स्पीच में मैंने लास्ट में कह दिया वुड यू लाइक प्लीज से कंफर्म टू कंप्लीट जो भी। अच्छा, अब कार्ड टेक्स्ट में मुझे लास्ट में क्या लिखना है, मुझे ये लिखना है यहाँ पे आर यू श्योर, ऐसे करके लिखना है मुझे बैक स्लैश एन न्यू लाइन में, और मैं कहूंगा कि आर यू श्योर, सही है, ये कहते हैं। अब मुख्तलिफ आप इसके बारे में मतलब जो भी आपकी ऐप है, जो भी आपकी सिचुएशन है, अभी तो जस्ट मैं ऐसे ही लिखता चला जा रहा हूँ, लेकिन जो आपकी सिचुएशन होगी उसमें जो बेस्ट जुमला होगा ना वो आपको सोच के लिखना है। क्या दिया है, हाँ अच्छा लास्ट में, सही कह रहे हो, हाँ लास्ट में बैक स्लैश एन दिया हुआ तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, सही कह रहे हो, सही है। अच्छा, तो जब मैं इसको एप्लीकेशन को रन करूंगा ना तो स्क्रीन पे लिखा हुआ कैसा दिख रहा है, ये सुनने में जो जुमला लिखा है मैंने वो सुनने में कैसा लग रहा है, तो आप उसको रिवाइज भी करेंगे, हम यहाँ पे भी रिवाइज करते रहेंगे उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, तो ये स्पीच और ये कार्ड का टेक्स्ट, ये दोनों हमारा यहाँ से यूजर के पास चला गया। ये इफ एल्स वाला जो है, ये इफ एल्स वाला, ये यूजर का कार्ड मैंने गेट किया डेटाबेस से, डेटाबेस से जब मैं गेट करूंगा तो मुझे एरे में वो सारे आइटम मिल जाएंगे जो जो यूजर ने रखे हुए अपने पास, सही है। तो अब होगा क्या कि उन आइटम्स को मुझे बोल के बताना है ना, उसको जुमले में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये लूप चला के उसको जुमले में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा मेन पर्पस ये है कि उस एरे को जो मुझे डेटाबेस से मिला है उसको जुमले में कन्वर्ट करके यूजर को बोल के बताऊं, ठीक
ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जो बोलने के अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर, बोल के हमें हर चीज करनी है। ये कोड बारल आपके पास है, आप इसको बाद में स्टडी मजीद भी कर सकते हैं। जी दोस्त, सर ये आपने जैसे एक लूप चला दिया, सर आइटम के अंदर भी तो लूप चलेगा, जो आइटम भी कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बात ये सही की है, आइटम जो है ना एक एरे नहीं है, आइटम एक ऑब्जेक्ट है। ये असल में इसमें इस आइटम में, एक आइटम में क्या होगा, डिश नेम और क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक आइटम में क्या होगा, डिश नेम और क्वांटिटी होगा। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, असल में ईच आइटम नहीं होगा, ये ईच आइटम डॉट डिश नेम होगा। सही है, ये ज्यादा बेहतर तरीका ये है इसको लिखने का, मतलब बेहतर क्या, यही ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है। तो जहां जहां ईच आइटम है ना, वहां पे मैं ईच आइटम डॉट डिश नेम कर रहा हूँ। अच्छा, जब मेरे पास क्वांटिटी मौजूद है तो फिर तो मुझे क्वांटिटी भी बतानी चाहिए। सही है, तो मैं पहले तो स्पीच में करता हूँ, स्पीच में मैं क्या कहता हूं कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि टू गोला कबाब, यही होगा ना, टू गोला कबाब। तो मैंने कहा कि ईच आइटम डॉट क्यू टी बाय, यही था ना क्वांटिटी, बल्कि पूरा है इसमें कॉपी नेम, क्वांटिटी पूरा लिखा हुआ है, ईच आइटम डॉट क्वांटिटी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहां पे। अब स्पीच में क्या जा रहा होगा कि You have three गोला कबाब, ठीक है, कॉमा, उसके बाद four बीफ कबाब, फिर लास्ट में एंड। अब यहां पे एंड के बाद भी मुझे क्या लगाना है, क्वांटिटी भी लगा दी, एंड फाइव चिकन बिरयानी। यहां पे अब थोड़ी देर स्टॉप हो गई है, फिर क्या कहेगा कि प्लीज से यस टू कन्फर्म। अच्छा, अब मुझे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से मैं ये लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि नंबर वन बीफ कबाब और एक्स, उसके बाद टू लगा दूंगा। ठीक है, एक्स के बाद मैंने कहा कि क्वांटिटी लगा दिया मैंने, लास्ट वाले में भी मैं सेम इसी तरह करूंगा, एक्स लगाऊंगा क्वांटिटी लगा दूंगा। ठीक है, मतलब गोला कबाब मल्टीप्लाई बाई थ्री, गोला कबाब मल्टीप्लाई बाई टू, ऐसे करके आ रहा हूँ, क्योंकि इनवाइसेस जो बनती है उसमें इसी तरह लिखा हुआ रहा हूँ, बिल आता है ना जो लास्ट में, उसमें इसी तरह लिखा होता है। या इसको लिखने के और भी मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, जो आपको अंदाज बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अच्छा, अब फाइनली इसको हम चला के देखते हैं, जितना हमने बना लिया उतने को हम चला के देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला इफ होगा ना वो क्या होगा, अगला इफ होगा हमारे पास अगला इफ होगा कि कंफर्मेशन इक्वल्स टू यस है, सही है, या नो। ठीक है, ये हो गया मेरा केस, इस तरह करके मैं लिख दूंगा, या बल्कि इसको ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं चेन में लिखूं ना, चेन इफ स्टेटमेंट में लिख दूंगा, चेन इफ स्टेटमेंट में लिखना इसको ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे करेंगे। सही है, कंफर्मेशन इक्वल टू यस को मैंने हैंडल कर लिया और बाकी नो को मैंने एल्स में छोड़ दिया, कि अगर यस हो तो प्रोसीड कर जाओ, एल्स नो हो या कोई भी चीज दूसरी चीज हो उसको हम एल्स में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मेरा अगला होगा इफ, अभी तक मैंने लिखा नहीं है, अभी तक मैंने पहला जो पार्ट था अपने कोड का वो लिख दिया है। अब इसको हम जाके करना चाहते हैं टेस्ट, टेस्टिंग वाली स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, बिल्ड चला दिया था ना मैंने इसको कंफर्मेशन लगाने के बाद। ओके, बिफोर आई कैन कंटिन्यू प्लीज सेट अ लोकेशन फॉर योर अमेज़न अकाउंट ऑन amazon.com अंडर द प्रेफरेंसेस टैब ऑफ योर कंटेंट एंड डिवाइसेस। एक मिनट, मैंने शायद जो है ना उसमें परमिशन में वो भी लगा दिया। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, हाँ मैंने स्पेलिंग शायद सही नहीं लिखी है ना, वो कहीं और ही पहुंच गया। वेलकम टू कबाब जीज, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट, और पहुंच गया था। यू कैन आस्क फॉर द मेन्यू, यू कैन आस्क फॉर द मेन्यू ना, मैं अब इसको कहूंगा कि चेक आउट, क्योंकि कार्ट में पहले चीजें ऐड है मेरे,
checkout. Fallback intent. Sorry, I had trouble doing what you asked. Please try again. अब इसमें किस पॉइंट पे एरर आया? शुरू से कोड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. कंफर्मेशन तक ये पहुंचा ही नहीं है ना बेचारा. हमारे पे जो सबसे पहला लॉग है चेकआउट इंटेंट हैंडलर है ना, ये नीचे ऐड सही हुआ है. चेकआउट इंटेंट हैंडलर. अच्छा 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 अच्छा, एक मैंने मिस्टेक की है ना यहाँ पे. मिस्टेक मैंने ये की है, इसमें प्लेस ऑर्डर लिखा था अभी तक, इसको चेंज नहीं किया. इसको ना चेकआउट मुझे करना पड़ेगा ना. आप सही हुआ ना ये, अब इसको चलना चाहिए. चेकआउट. फॉल बैक इंटेंट. सॉरी आई हैड ट्रबल डूइंग व्हाट यू आस्क्ड. अच्छा, कंफर्मेशन तक तो ये पहुंच गया. कंफर्मेशन आई है अनडिफाइंड, सही है बिल्कुल. अच्छा, उसके बाद ये कहीं पे इसको एरर आ गया. देखते हैं मजीद कोड, कुछ हमने ऐसा तो नहीं किया इसमें. कर दो ट्राई में हमने कहा प्रोफाइल डॉट ईमेल, प्रोफाइल डॉट. अच्छा हाँ, ये हमने प्रॉब्लम की है इसमें. एपीआई एक्सेस टोकन जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमने ऊपर उसमें निकाला हुआ था, लेकिन इस दफा हमने ये क्या कर दिया है, मिस कर दिया है. तो हम वो पुराने वाले इंटेंट में जाके ना ये लाइन एटलीस्ट वहां से कॉपी कर लेते हैं जहां पे एक्सेस टोकन इसका हमने निकाला हुआ था. ठीक है, एक्सेस टोकन इसका यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा उसको कहां से पता चलेगा. और इसको हम ट्राई के कैच के अंदर ही कर देते हैं, ताकि जब भी हम इसको कहीं कॉपी वॉपी करें ना, ये साथ में कॉपी हो जाए. सही है, ये भी एक मिस्टेक थी, ये भी हमने सेट कर ली. अच्छा, अब इसको हम कहते हैं चेकआउट. There was a problem with the requested skills response. अच्छा, अब ये कोई तीसरा एरर दिया है इसमें. अच्छा, कार्ट में से अब डेटा मेरे पास आ चुका है. इस केस में कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ मैप. अच्छा, ये कह रहा है ये. आइटम्स ही तो लिखा है, सही है. यूजर कार्ड को मैंने यहाँ पे कंसोल किया है. यूजर कार्ड, ओ मैंने असल में गड़बड़ ये की है कि फाइंड नहीं लगाना था मुझे, फाइंड वन लगाना था. फाइंड वन जो है ना एक आइटम लाता है, और फाइंड क्या लाता है, एरे लाता है पूरा. चाहे एक भी मिलेगा ना उसको तो भी एरे लाता है वो. तो फाइंड वन में लगाऊंगा तो अब वो एक आइटम मिलेगा, या तो फिर मैं इसको इंडेक्स जीरो लगाऊं. ठीक है जी, मैं दोबारा इसको कहता हूँ चेकआउट. There are no items in your Amazon cart. अच्छा, वो चेकआउट करते करते खत्म ही हो गया. ओपन मलिक रेस्टोरेंट. सॉरी आई डोंट नो दैट वन. ओपन मलिक रेस्टोरेंट. Welcome to Kebabji's. I am your virtual assistant. You can ask for the check out. अब मैंने बोला दोबारा इसको. You have 3 beef kebab, 1 mutton kebab, and 1 chicken reshmi kebab. Please say yes to confirm. इतना वाला हमारा सही चल गया जितना हम चलाना चाह रहे थे. ठीक है, स्पीच की सूरत में आ गया. अब हम क्या देख लेते हैं डिवाइस में क्या आया है. इस तरह आया. अच्छा, ये आई थिंक कैपिटल एक्स बुरा लग रहा है इसमें. इसमें छोटा एक्स होना चाहिए. अच्छा, और इसमें ये भी हो रहा है कि वो सम टाइम आगे निकल जा रहा है, स्क्रीन की लिमिट से भी आगे चला जा रहा है. चिकन रेशमी कबाब और एक्स लगा के वो आगे निकल जा रहा है. खैर, तो आप इसको मजीद अपने तौर पे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा. मैं अभी फिलहाल एक्स को छोटा कर देता हूँ, ताकि जो ये बड़ा वाला एक्स बुरा लग रहा है ना वो सेट हो जाए. और आर यू श्योर नीचे लिखा हुआ है, तो बंदा इसको देख के भी समझ जाएगा कि यस या नो मैं कह सकता हूँ. अच्छा, अब अगर मैं यस कहूंगा तो कोई रिस्पॉन्स अभी फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि उस केस को मैंने हैंडल नहीं किया हुआ. अब हम उस केस को आगे हैंडल कर लेते हैं. ठीक है जनाब, अब अगर बंदा यस कहता है तो यस कहने की सूरत में मुझे सिंपली क्या करना है. सिंपली मुझे वो सारा जो डेटा था मेरा, जो कार्ड का डेटा, वो एज इट इज उठा के मुझे कहां पुश कर देना है, ऑर्डर्स के अंदर पुश कर देना है. अच्छा, मैं जाके ऊपर जरा ऑर्डर का मॉडल देख लेता हूं हमने बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ. ये कार्ट है मेरा
और ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऑर्डर्स के नाम से भी एक बना लेते हैं, सही है। सेम उसके अंदर जो यानी क्या रहा दे दिया इसमें, नहीं कुछ एरर दे रहा है ना ये, ओवरराइड मॉडल। अच्छा वो नाम नहीं मैंने चेंज किया ना, कार्ट लिखा हुआ है ना इसमें, सही है, अपसेट हुआ है। असल में यहाँ कार्ट लिखा हुआ था, यहाँ भी कार्ट लिखा हुआ था। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर मॉडल इसका नाम होना चाहिए। ये ऊपर भी मैंने कार्ट लिखा है ना, कार्ट नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए कार्ट मॉडल, क्योंकि ये मॉडल है। अच्छा अब मैंने कहा ऑर्डर मॉडल, और मैं इसमें पुश कर दूंगा चीज जो भी मेरी, जो भी मेरा कार्ट में जो कुछ मौजूद है सारा इसके अंदर लाके मैं एज इट इज क्रिएट मार दूंगा। अच्छा जी अच्छा, अब मैंने एक चीज और यहाँ पे फील की के अभी जो है ना, मैंने ऑर्डर का मॉडल कहाँ पे गेट, जो ऑर्डर कार्ट मैंने गेट किया हुआ वो कंफर्मेशन के ब्लॉक के अंदर गेट किया, तो मुझे अब ये फील हो रहा है कि कंफर्मेशन नहीं है तो भी मुझे वो मॉडल चाहिए, बंदा यस बोलेगा उस सूरत में भी चाहिए। तो मुझे ये जो मैंने गेट किया हुआ है ना ये चीज, ये मुझे कहाँ चाहिए, ये मुझे इसकी इफ से भी बाहर चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, उठा के बाहर लेकर आ जाता हूँ। कैसे लेकर आऊंगा मैं बाहर, ये मैं बाहर कैसे लेकर आऊंगा, ये मैं बाहर नहीं लाऊंगा बल्कि मैं इस इफ को अंदर लेके चला जाऊंगा इसके। मैंने यहां से कट किया और ये मेरा पूरा इफ का ब्लॉक है ना, ये मेरा पूरा इफ का ब्लॉक है, इसको मैं यहां से कट करूंगा और कट करके मैं कहां लेके चला जाऊंगा, इसके अंदर, सही है, इसके अंदर लेके चला जाऊंगा मैं। और जहां पे ये यूजर कार्ड मुझे मिल चुका है, ठीक है, वहां पे मैं इसको लगा दूंगा, ये मैंने लगा दिया। और ये जो ये वाली जो चीज है ना, इसको मैं नीचे लेके चला जाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं कैच से अंदर अंदर ही रखूंगा, सेट हो गया मेरा। अब आप नोट कीजिए क्या हुआ, मेरा कोड स्टार्ट होता है, मैंने काफी मतलब चेंज किया है, अगर आपने उसको पिक नहीं किया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने किया है। मेरा कोड शुरू हुआ चेकआउट इंटेंट हैंडलर, उसके बाद मैंने स्लॉट गेट किया, उसके बाद मैंने ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ईमेल गेट किया बंदे की। अच्छा ईमेल गेट करने के फौरन बाद फिर मैंने क्या गेट किया, यूजर का कार्ड गेट कर लिया। जब ये सारी चीजें गेट हो गई ना, फिर मैंने चेक किया कि अभी ये कंफर्मेशन बंदे ने दिया है या नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है तब भी मुझे इस कार्ड की जरूरत है, कंफर्मेशन यस है तब भी मुझे इस कार्ड की जरूरत है। तो अगर कंफर्मेशन बंदे ने कहा है, अभी तक बोला नहीं है कंफर्मेशन, तो ये वाले सारे काम करा दिए जाए कि भाई कार्ड में जो कुछ भी है उसको जुमले में कन्वर्ट करके यूजर से पूछ लिया जाए कि भाई आर यू श्योर या आर यू कन्फर्म, जो भी बात उससे पूछ ली जाए। अब अगर कंफर्मेशन इक्वल्स टू यस हो तो मुझे क्या करना है, इसी कार्ड, ये जो यूजर कार्ड मेरे पास आया है ना, इसको उठा के कहाँ भेजना है, ऑर्डर में भेजना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं कहूंगा न्यू ऑर्डर मॉडल, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये पूरा आइटम रख दिया, ठीक है, लेट न्यू ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर मॉडल, ठीक है, ये हो गया। और मैं क्या कहूंगा, मैं न्यू ऑर्डर डॉट सेव, ठीक है, सेव मुझे प्रॉमिस देता है क्या, डॉट सेव ये कार्ड टेक्स्ट तो अलग है ना, ये कार्ड यूजर का कार्ड, ये कार्ड मॉडल नहीं लिखा हुआ, कार्ड तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ, मैं ये कह रहा था इसको होना चाहिए कार्ड मॉडल, ऑर्डर मॉडल होना चाहिए और कार्ड मॉडल होना चाहिए, लिख दिया तो चलो ठीक है, अभी लिखा रहने देते हैं इसको। तो खैर अच्छा अब मुझे क्या करना है, न्यू ऑर्डर को सेव करना है, लेकिन किस तरह से सेव करना है कि वो मुझे प्रॉमिस दे रहा, डॉट देन तो मैं लगा नहीं सकता, एक तो डॉट सेव में मैं क्या करता हूँ, इसको डॉट एक्सी लगा के देखता हूँ, ठीक है यार ये क्या दे रहा है,
गूगल कर लेते हैं थोड़ा सा। सेव डॉक्यूमेंट विद प्रॉमिस, मोंगोज भी लिख देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा एक्सी उस पर डायरेक्ट इस तरह से चलता है या नहीं चलता। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा भाई, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा भाई, हमारा भी यही क्वेश्चन है। अच्छा कह रहा है डॉट सेव पे डॉट देन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो मतलब ये है कि वो प्रॉमिस दे रहा है। नहीं मसला है ना, हमें वो जब सेव हो जाए तो फिर उसको जवाब देना है, ठीक है। मैंने कहा कि लेट सेव्ड इक्वल्स टू अवेट न्यू ऑर्डर मॉडल। अब इस पर मैं ट्राई कैश नहीं लगा रहा फिलहाल, लेकिन इस पर भी लगाना चाहिए। जहां जहां पे मैं अवेट लगा रहा हूँ वहां वहां पर मुझे ट्राई कैच भी लगाना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं इस पर नहीं लगा रहा, ठीक है। सेव्ड, अच्छा अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, जाहिर है अवेट वो जब तक नीचे नहीं आएगा जब तक वो कम्प्लीटली सेव नहीं हो जाता। यहाँ पे मैं कहूंगा वो पूरा रिस्पॉन्स वाला जो आइटम है वो यहाँ पे मैं लगा, ठीक है। और इसको मैं कहूंगा योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, ठीक है, ये मैंने कह दिया। अच्छा ऑर्डर के अंदर ना मुझे एक चीज एडिशनल चाहिए होगी, ऑर्डर का नंबर है ना, चाहिए होगा ना ऑर्डर का नंबर। आईडी होगी, आईडी तो बहुत लंबी चौड़ी आईडी है ना, दो तीन तरीके हो सकते हैं इस काम को कराने के। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं बंदे को ना ईमेल कर दूं, ईमेल की एक एपीआई है पोस्ट मार्क, एक है सेंड ग्रिड, ये सर्विसेज हैं जो आपको ईमेल सेंड करने में हेल्प करती है सर्वर्स। एसएमटीपी नहीं है वो सर्विसेज हैं, सर एसएमटीपी तो खुद बनाते हैं ना अपना, वो सर्विसेज हैं, वो पैसे चार्ज करती है पर ईमेल, जितनी भेजोगे उतने पैसे चार्ज करती। शुरू में 150 ईमेल फ्री में मिल जाता है, पोस्ट मार्क में 100 फ्री मिलता है आपको पर मंथ। तो वो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जब बंदा कहे ना कंप्लीट ऑर्डर, आपने ऑर्डर लगा दिया, तो ऑर्डर का आईडी आप उसको ईमेल पे भी भेज सकते हैं कि भाई योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड एंड आई हैव सेंड एन ईमेल विद ऑर्डर आईडी, ये भी आप कह सकते हैं। वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैं उसको, एक तो तरीका ये है कि मैं ईमेल भेज दूं कि भाई आपका ऑर्डर नंबर मैंने आपको ईमेल कर दिया, जाके देख लेना कभी भी पूछना हो तो। अच्छा लेकिन मसला ये वो स्पीकेबल नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इस ऑर्डर के अंदर ना एक 4-5 डिजिट का नंबर रैंडमली जनरेट करके लगाऊं और फिर उसको मैं लगा दूं ऑर्डर पर। नहीं, रैंडम नंबर डुप्लीकेट असल में जब होंगे जब मैं सारे यूजर के लिए करूंगा, उसका ईमेल भी तो है ना, तो जब वो अगर पूछता भी है ना कल को कि व्हाट अबाउट माय ऑर्डर, तो मैं साथ में उसका ईमेल लगाऊंगा और फिर साथ में वो रैंडम नंबर लगाऊंगा, तो फिर वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, सही है। क्योंकि एक यूजर हो सकता है दिन में 2-4-5 ऑर्डर कर दे, 10 कर दे, हजारों ऑर्डर तो वो करेगा नहीं दिन में, ठीक है। फिर हम उसमें ये भी लगाएंगे, कहेगा ना व्हाट अबाउट माय ऑर्डर, तो मैं स्टेटस इनकम्प्लीट भी साथ में लगाऊंगा कि ऐसे ही ऑर्डर सर्च करो जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, तो या तो वो आएगा नो ऑर्डर कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है, या अगर अभी जो एक दो जो आज के दिन किया होगा वही उसमें आ रहा होगा कि भाई इनकम्प्लीट है, अदरवाइज जो शेफ ने कंप्लीट कर दिया मार्क के भाई ये डिलीवर वगैरह सब हो गया, तो वो वैसे भी उसमें डाउन नहीं करोगे, ठीक है। तो रैंडम नंबर मैं इसमें लगा सकता हूँ फिलहाल, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, थैंक यू, थैंक यू, बस काफी है, ठीक है। रीप्रॉम्प्ट की मुझे इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा सिंपल कार्ड में मैं कह देता हूं कि थैंक यू, ठीक है, और कार्ड में मैं क्या कह देता हूं, टेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए मुझे कार्ड में, हेडिंग में मैंने लिख दिया थैंक यू, बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, मुझे कार्ड में कुछ तो दिखाना है ना उसको, स्क्रीन वाले बंदे को एंटरटेन करना है। डोंट फॉरगेट टू फीडबैक,
नहीं वो तो मैं कार्ड में दिखा चुका ना, जब उसने कंफर्मेशन ली थी ना उसने अभी देखा है, फिर दोबारा देखेगा वो नहीं, लंबी हो जाएगी। चलो खाली छोड़ देते हैं फिलहाल, जस्ट थैंक यू उसको लिख देते हैं। इसमें काफी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, देखो हर आइटम का कोई प्राइस होगी, हर आइटम का वेटिंग टाइम होगा, तो मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि थैंक यू योर ऑर्डर इज कंप्लीटेड, और वेटिंग टाइम उसको बता दूं कि यू हैव टू वेट 15 मिनट। बट वो चीजें अभी हमने की नहीं है, अभी हमने बहुत बेसिक किस्म की चीज बनाई है, अदरवाइज जो रियल आपका होगा ना ऐप उसके अंदर ये काफी सारी चीजें इस तरह की होंगी। अच्छा अब तो ये हो गया कि बंदे ने यस बोला, अब बंदे ने नो अगर बोल दिया कंफर्मेशन में तो क्या होगा? तो सिर्फ मैं ये एक रिस्पॉन्स भेजूंगा उसको, एक रिस्पॉन्स भेजूंगा, और रिस्पॉन्स में क्या लिखूंगा, ओके कैंसिल, ठीक है, फील फ्री टू एड मोर आइटम्स, ठीक है, और से डिलीट कार्ट। भाई जाहिर है जब कैंसिल बंदे ने किया तो मतलब कार्ट में उसको कुछ ऐसा दिख रहा है ना जो वो नहीं चाह रहा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कुछ ऐसा है जो मिस है उसमें अभी उसको ऐड करना है, या तो कुछ ऐसा है जो उसने गलती से ऐड कर दिया, यही होगा ना दो। तो मैंने उसको दोनों की हिंट, दोनों की सजेशन यहाँ पे पास कर दी कि ओके कैंसिल, ठीक है, फील फ्री टू एड मोर आइटम्स, और से डिलीट माई कार्ट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, स्टार्ट ऑर्डर फ्रॉम स्क्रैच, हाँ एग्जैक्टली exactly. ये स्क्रिप्टिंग बुक में एक पॉइंट पे याद होगा आपको, उसने कहा है कि भाई आपने लिख लो पहले पूरी स्क्रिप्ट कि ये होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शनैलिटी में बंदा फिर खो जाता है, स्क्रिप्टिंग कर नहीं पाता। अच्छा मैं आमतौर पे ये करता हूँ कि फंक्शनैलिटी लिख लेता हूँ कि ये फंक्शनैलिटी चाहिए। अभी आप नोट कर रहे होंगे मैं जुमलों पे इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा, हालांकि असूलन मुझे ऐसे SSML बना के भेजना चाहिए जुमलों पे, तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं फंक्शनैलिटी लिखी हुई होती है मेरे पास कि ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए। जब वो फंक्शनैलिटी अचीव हो जाती है ना, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सब छोड़ के कॉफी वॉफी पी के फ्रेश हो गया ना, फिर उसको मैं एक एक करके यूज करता हूँ। अच्छा ये मैंने कह दिया भाई इसको, और अभी कार्ड हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए इससे। अब मेरे पास क्या है भाई, ये डिलीट माई कार्ट ना ये बना हुआ ही नहीं है फिलहाल, बहरहाल मैंने उसको बोल दिया है, और रीप्रॉम्प्ट भी मैं इससे ले लेता हूं। रीप्रॉम्प्ट मैं इस वजह से ले रहा हूं यहां पे कि इस पॉइंट पे बात खत्म नहीं हुई, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, बात खत्म नहीं हुई है। अगर वो बोलता है कि डिलीट माई कार्ट, तो मुझे उसके लिए माइक को ऑन रखना है, ठीक है जी। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि Tell me a dish name, or you can ask me for the menu. अब अगर थोड़ी देर तक उसने इंतजार किया लेकिन बंदे ने कुछ बोला नहीं, बंदे ने कुछ बोला नहीं, तो मैं अब उसको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लीज टेल मी अ डिश नेम, तो मैं इसको ऐड कर दूँ कार्ट में। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बंदा कुछ ऐड करना चाह रहा है सेल्स ऑफ सेल्स के परस्पेक्टिव से, क्योंकि सेल्स में हमेशा क्या कहते हैं, आप बुलाते हैं कि यार आचो ये भी ले लो, आचो ये भी ले लो। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता था कि प्लीज से डिलीट कार्ड, डिलीट माय कार्ड नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ और ऐड करें। रीप्रॉम्प्ट के जरिए मैं उसको गाइड करता हूँ कि अब ये आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास, इतना तो मैंने उससे कहा बस खत्म करते हैं दो मिनट में, टेल मी अ डिश नेम, कि एक और डिश बता दो, या कह दो कि भाई अब मुझे मेन्यू बताओ पूरा, हो सकता है वो डिश के नाम ही भूल गया हो तो इसलिए बोल ही नहीं रहा कुछ। सेव कर दिया इसको मैंने, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से और फिर हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको, ये आज कंप्लीट हो गया ना, इसमें क्या बचा। यू हैव 3 बीफ कबाब, 1 मटन कबाब, एंड क्या कह रहे हो, ऑर्डरिंग वाला कौन सा यार, वो पेमेंट तो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए फिर क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो सबके पास है नहीं, ठीक है, फिर टाइम का भी कंस्ट्रेंट है ना हमारे पास।
मेरे पास है लेकिन टाइम का भी कंस्ट्रेंट है ना, हमें फिर आगे मूव करना है, डायलॉग फ्लो पे भी तो मूव करना है, फिर थोड़ी सी वेब भी पढ़नी है हमें। हाँ बाकी ये है कि अगर किसमें बहरहाल वो आगे तो जो करेंगे वो करेंगे। अलेक्सा को यहाँ पे कोई ऐसी चीज मेरा नहीं ख्याल है, देखो पेमेंट तो हम किसी में भी कवर नहीं कर पाएंगे। स्ट्राइप देखो अलेक्सा में पहली बात तो स्ट्राइप वो अलाउ शायद नहीं करता, वो कहता है अमेजोन पे ही रखो, और अमेजोन पे के एडिशन में शायद स्ट्राइप दिया उन्होंने, मैंने चेक नहीं किया। इसमें आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं स्ट्राइप का ऑप्शन है या नहीं है। खैर मेरा पॉइंट ये है जी, देखो लंबी होगी बिल्कुल होगी, हम वॉइस में ना सम टाइम ऐसी चीजें हम रखते ही नहीं है कि बिला वजह लंबी हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि चार पांच आइटम एक साथ बोल दे तो फिर क्वांटिटी कैसे लेंगे, यूजर कंफ्यूज होगा बिला वजह, ठीक है, आपकी चीज भी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर वाकई ऐसा आ जाता है आपके पास रिक्वायरमेंट, तो देखो इतनी बात तो पता चल गई है ना, अभी तक क्लियर हो गई होगी कि होगा सब इसी के अंदर रहते हुए। अभी तक मैंने इंटेंट और स्लॉट के अलावा कुछ किया है, उसी में घूम रहा हूँ सब, कितना आगे तक निकल गए हम लेकिन उसी में घूम रहा हूँ, तो उसी के अंदर ही होगा घूमते हुए। अब वो आपको सोचने की बात है कि आप सोच कितना अच्छा सकते हैं। किस पॉइंट एमटी, अभी ऑर्डर कंप्लीट होने पे एमटी करवाना चाहिए था ना मुझे, अभी मैंने नहीं करवाया, करवाना चाहिए था वैसे, ठीक है एमटी भी करवा देंगे, और एमटी का एक इंटेंट अलग से भी होगा, ठीक है अलग से भी है, डिलीट माई कार्ड ऐसे करके बोले वो, तो उसको डिलीट कर दिया जाए कार्ड में जो भी कुछ है। पहले इतने को तो टेस्ट करें। अच्छा भाई ये क्या कह रहा है कि यू हैव थ्री बीफ कबाब, ठीक है, और जो भी बताया इसने अगला। अब मैं कह रहा है कि से यस टू कंफर्म, अब मैंने कहा इसको यस, यस कहने की सूरत में वो डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए, प्लीज से यस और नो, यस बोल तो दिया। ये क्या हुआ, नहीं मुझे लग रहा है हमने ना इसमें कुछ गड़बड़ की हुई है। कंफर्मेशन को हमने कंसोल किया हुआ है ना, चलो रिफ्रेश करके एक दफा और टेस्ट करते हैं। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, ठीक है जी, मैंने इसको कहा के चेक आउट, यू हैव थ्री बीफ कबाब, वन मटन कबाब एंड वन, प्लीज से यस और नो। ये वो क्या रहा है, मुझे लग रहा है हमने इंटरेक्शन मॉडल में कोई गड़बड़ की हुई है। स्लॉट टाइप में जाते हैं, जरा कंफर्मेशन में जाके देखते हैं। सही है ना, यस है और नो है, यस इसमें लिखा हुआ है और नो इसमें लिखा हुआ है, सही है दोनों लिखे हैं, सेम मॉडल। अब हम आते हैं इंटेंट्स में और चेकआउट में जाते हैं, चेकआउट में जाके एक दफा बिल्ड कर लेते हैं, शायद वो स्लॉट बनाने के बाद ना बिल्ड पता नहीं हुआ या नहीं हुआ।
अच्छा भाई बिल्ड कंप्लीट हो गया, दोबारा से हमारा रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, कार्ट में तो चीजें मौजूद है ना, कार्ट खाली तो करना है, चेक आउट करेंगे। वेलकम टू कबाबजीज, फॉल बैक इन टेंट, सॉरी आई हैड ट्रबल डूइंग व्हाट यू आस्क्ड, प्लीज ट्राई अगेन। चेक आउट, अरे यार अपनी आवाज सुन रहा है, चेक आउट, माइक प्रेस कर दी, अपनी आवाज सुन। यू हैव 3 बीफ कबाब 1 मटन कबाब, यस यस, प्लीज से यस और नो। अब ये क्या इशू है, ये प्लीज कंफर्म, मैंने रीप्रॉम्प्ट लिया या नहीं लिया, एक दफा देख लेता हूँ, रीप्रॉम्प्ट शायद मैंने मिस कर दिया इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। अगर नॉट कंफर्मेशन है तो क्या कर रहा है, ये रीप्रॉम्प्ट दिया हुआ तो है, प्लीज से यस और नो। नहीं रीप्रॉम्प्ट से कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, यस नो करें, नो करें चलिए, नो करके चेक कर लेते हैं। ठंडा ही हो जा रहा है, क्योंकि नॉट कंफर्मेशन तक तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। कोई बता सकता है कि ये क्या इशू है, किसी को समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है? यार रीप्रॉम्प्ट से अरे बिल्कुल सही पकड़ लिया इसने, अटरेंस में तो आई नहीं रहा हूँ तो पकड़ेगा कैसे उसको मैं। हाँ बिल्कुल सही कहा यार, सही है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कंफर्मेशन और मैं कहूँगा एंटर, कि यस नो डायरेक्ट भी बंदा बोल सकता है, बट ये भी एक प्रॉब्लम है, यस नो डायरेक्ट नहीं बोल सकता बंदा। वो पता है इससे क्या होगा कि अगर सिर्फ यस किसी ने बोला ना तो ये चेकआउट हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं डिलीट करूंगा यहाँ से, और डिलीट करने के बाद ना यहाँ पे एडिट डायलॉग्स में जाके और ओके प्रॉम्प्ट स्पीच, मगर फिर मसला ये यहाँ से जाएगा नहीं ना आगे सर्वर के लिए, फिर यहीं पर रुका रहेगा, यहीं पे फिर ये रुका रहेगा। Does this slot require confirmation? Does this slot require fulfill the intent? Is this slot required to fulfill the intent? No. Create a validation rule. अब problem ये, जब तक मैं इसको require नहीं करूँगा ना ये response नहीं पकड़ेगा। खैर हम दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, हम दूसरा सॉल्यूशन करते हैं इसका, हम अटरेंस को ना कुछ इस तरह से लिखते हैं कि क्या कहते हैं वो डायरेक्ट से हिट ना हो। मैं इसमें लिख देता हूं कि यस आई एम श्योर, ऐसे करके लिख देता हूं, सही है। आई एम श्योर की जगह पे मैं ये श्योर की जगह कंफर्मेशन मैंने ले लिया, तो अब वो इससे ना बाकियों को भी पिक कर रहा होगा, उसमें श्योर भी लिखा हुआ है ना, यस की जगह पे श्योर भी है, आई एम श्योर, ठीक है, ऐसे करके भी बोलेगा बंदा, तो पिक कर लेना चाहिए उसको। और बताओ कोई ऐसे मुख्तलिफ तरह से यहाँ से लिख दूं कि डायरेक्ट हिट ना हो। बाय द वे यस आई एम श्योर किसी ने डायरेक्ट बोला ना अगर, तो भी ये हिट हो जाएगा,
अच्छा एक काम मैं और कर सकता हूँ, यस की जगह पे ना चेकआउट को भी ऐड कर दूँ, उससे भी ये मसला हल हो जाएगा मेरा। मगर फिर होगा ये कि वो कंफर्मेशन ना फिर जर्नल पर्पस नहीं रहेगा, वो इसके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। मैं यस की जगह चेकआउट भी लिख सकता हूँ जाके, ठीक है। बताओ और कोई अच्छा सा तरीका बताओ। आई एम डन की जगह पे ना डन को भी कंफर्मेशन कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें यस की और कौन कौन सी चीज है, कंप्लीट, कंप्लीट को भी मैं कंफर्मेशन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अब इसको अट्रेंस में ले लिया किसी ना किसी फॉर्म में, तो अब उसको पिक करना चाहिए। कौन बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हो? बस को टेस्ट करके निकलते हैं। करके आ जाओ। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, चेक आउट। यू हैव थ्री बीफ कबाब। यस। यस आई डू। यस आई एम श्योर। अच्छा यस आई एम श्योर लिखा ना इसने, मैंने जब कहा तो इसने क्या पिक किया, नो वाला इसने पकड़ लिया। अच्छा और मुझे यहाँ पे वो आइटम मिला क्या, कंफर्मेशन की जगह पे मुझे श्योर मिला। अच्छा ये क्या सीन हुआ है, वैल्यू में तो मैंने यस और नो लिखा था, ये श्योर कैसे मिल गया यहाँ पे उसको? असूलन मुझे मिलना ही, जो सर्वर पे मिलना चाहिए ना मुझे, वो स्लॉट की वैल्यू मिलनी चाहिए यस और नो। खैर तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, पिक कर लिया उसने। अब ये कोड में थोड़ी सी चेंजेस करके उसको जाहिर है फिक्स करना पड़ेगा प्रॉपर। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो पूरा एरे बनाना पड़ेगा जो जो मैंने वहां लिखा हुआ है, और उसमें इंक्लूड्स डॉट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कोड यहाँ तक काइंड ऑफ चल गया, सही है। वो श्योर लिखा है, मैं इसको अगर इक्वल्स इक्वल्स कर दूं ना श्योर के, तो ये चल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहीं तक हम रखते हैं आज की क्लास को, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, वेब, थोड़ा सा वेब हम पढ़ना शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन आप लोगों से उम्मीद मेरी ये है कि आप लोग ये जो बनाया है ना मैंने, ये तो एक ब्लूप्रिंट बना दिया, एक नॉर्मल सा खाका बना दिया, इसको एक प्रॉपर ऐप में डालना आप लोगों का काम है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली क्लास में अभी है हमारी आखिरी क्लास थी अलेक्सा की।